यस नाउ चेक दियर स्टूडेंट्स, अभी कर लिया है साउंड का ओके. या नाउ इवन आई कैन हियर परफेक्ट. हाँ तो जो भी है चैटिंग हम करेंगे ओवर हियर. आई एम ऑल गुड डियर स्टूडेंट्स, फैंटेस्टिक. यस सो अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड a very good decision that you all have taken to start with your group 1 classes. So it's a fantastic decision jo aapne liya hai. Yes, so everything is perfect, that's great. For a few days the lecture would be on YouTube, and within few days we'll be shifting to the SVC player, the app pe fir lecture ka streaming hoga, right? Aaj ke liye hum jo bhi chatting hai, you are व्हाटएवर चैटिंग वी आर डूइंग, आज के लिए जो भी मेरा आपके साथ कम्युनिकेशन होगा यूट्यूब चैट पे ही होगा जब तक लेक्चर्स यूट्यूब पे है. राइट नाउ वी नीड टू फॉलो सम डिसिप्लिन सो दैट इट्स अ फ्री फ्लो इंटरैक्टिव क्लास. राइट तो मैं जो भी आपको सवाल पूछूंगी आप उसके जवाब देना. कहीं मैं आपको टाइम दूंगी कि येस नाउ यू कैन आस्क मी क्वेश्चन एंड देर यू कैन डेफिनेटली आस्क मी योर क्वेश्चन. ओके सो वन अ फैंटेस्टिक डिसीजन दैट यू ऑल हैव टेकन टू स्टार्ट विथ. तो आपका शेड्यूल कुछ इस तरीके से होगा कि पहले हम 2 घंटे टैक्स का लेक्चर करेंगे, उसके बाद हर्षद सर कॉस्टिंग लेंगे फॉर एन आवर 12 to 1, फिर आपको लंच ब्रेक मिलेगा, फिर आनंद सर की क्लास होगी 1 आवर, एंड देन यू विल हैव लॉ विथ अंकिता मैम. राइट यस दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर मे 22. करेक्ट यस दिस इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर मे 22. जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके राइट नाउ डियर स्टूडेंट्स आई वॉन्टेड टू बी अ सुपर इंटरक्टिव सेशन. राइट सो यू हैव टू बी ऑल चार्ज अप फॉर दिस लेक्चर. वन आई डू नॉट वॉन्ट यू टू वॉच दिस लेक्चर लाइंग डाउन ऑन योर बेड. बैठ के सोफा पे बैठ के नहीं देखना है. कहीं पे भी आप एक जगह फिक्स कर लीजिए और वो जगह कॉन्स्टेंट रखिए सो दैट फील ऑफ स्टडी कम्स, दैट एटमोस्फियर ऑफ स्टडी इज देयर. आई वॉन्ट यू टू सिट स्ट्रेट एंड अपराइट वाइल लिसनिंग टू द लेक्चर्स. ओके तो घर पे है तो सो के देख रहे हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए. यस yes? हाँ so this is absolutely the way I want it. Okay yes Sejal my last batch live streaming students okay they also want to join it seems. ha huh. but I'm going to take a lot of revision for you guys. right so December 21 ke liye jaise maine kal hi announce kiya ki hum kafi sare revision lectures lene wale hain to wahan pe hum milenge hi. right now to sabse pehle is this applicable for may 22 attempt and the answer is yes this is applicable for may 22 attempt. to abhi ka main jo lecture le rahi hu ye kiske liye le rahi hu, this is for may 22 and students who are giving November 22. Right. So a very, very good morning. Yes. So it is applicable for May 22 and November 22 attempt. जो एग्जाम्स देने वाले उनके लिए ही एप्लीकेबल है लेक्चर्स. टैक्स कीप्स ऑन चेंजिंग. यार क्यों टैक्स चेंज होता है हर साल, ये क्यों हमें पूछना पड़ता है और देखना पड़ता है मैम क्या ये हमें एप्लीकेबल है, क्या हम ये लेक्चर्स देख सकते हैं. टैक्स में क्यों ऐसा होता है बताओ जरा.
Wow, foundation student but watching inter. Very good. Yes, tell me. Yes, result ke baad bhi batch start hoga. Yes, so we are going to have result ke baad bhi batch hone wala hai. So that is the post result which will get merged in this batch. How am I going to merge that? That will come to you a little later. But jinhone abhi se liya hai, guys, aap ek tempo develop kar rahe ho. Aapko lectures pe baithne ki aadat nahi hoti hai. To dheere dheere wo aadat aapki abhi start ho jayegi. So that is the reason why you must start pre-result only. Okay? Yes. Now, yes, policy change होती है, great, amendments आते हैं, बिल्कुल सही. So students are giving me right answers. Changes made by the finance minister, changes made in the act, changes made in the budget. A budget is proposed every year a budget is proposed, right? Let me just see if my recording is also on. Yes. So every year budget आता है और finance act हमारा जो है, जो इनकम टैक्स एक्ट है, उसमें चेंजेस प्रपोज किए जाते हैं एंड देर आर चेंजेस मेड इन दिस एक्ट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके अटेम्प्ट के लिए, आप जो एग्जाम दे रहे हो उसके लिए चेंजेस होते हैं. सो लास्ट बैच व्हाट आई टॉट वाज एप्लीकेबल अप टू नवंबर 21. यू शुड नो हर मे अटेम्प्ट में टैक्स का सिलेबस चेंज होता है. इट रिमेन्स द सेम फॉर मे एंड नवंबर. सो मे एंड नवंबर द सिलेबस वुड रिमेन द सेम. इट विल चेंज ओनली now next May 23 the syllabus would change, the new act becomes applicable, right? तो बिल्कुल सही, amendments आते रहते हैं, बिल्कुल सही. सो सही जवाब दे रहे हो, बरोबर. क्या बोलने का फिर? बरोबर. यस, अभी आपका फर्स्ट डे है तो as and how we start, there are going to be certain rules. जैसे क्लासरूम के कुछ रूल्स होते हैं, वर्चुअल क्लासरूम के भी कुछ रूल्स होते हैं. सो द लेक्चर फ्री फ्लो जाए, इफेक्टिव हो, प्रोडक्टिव हमें आउटपुट मिले उसका, राइट. नाउ टैक्स इज अ न्यू सब्जेक्ट. हैव यू स्टडीड इट अर्लियर? नो यू हैवंट स्टडीड इट अर्लियर. सो नो यू हैवंट स्टडीड इट अर्लियर. अच्छा, यहां पे जो पिक्चर है, जो स्क्रीन पे आपको जिनका पिक्चर दिख रहा है, हु इज शी? सो द पिक्चर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, ये कौन है? यस, तो ये जो पिक्चर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, हु इज शी? या निर्मला सीतारामन जी. शी इज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. शी इज द फर्स्ट फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द कंट्री. बिल्कुल सही. यस, शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर. आई लाइक टू हैव अ इंटरएक्टिव सेशन एंड आई एम वेरी हैप्पी. मैं आपको आज टैक्स का थोड़ा इंट्रो दूंगी, मैं क्या बुक्स देती हूँ उसका इंट्रो दूंगी, फिर मैं थोड़ा मेरे बारे में इंट्रो दूंगी, फिर सब्जेक्ट के बारे में, पेपर फोर, पेपर पैटर्न क्या होता है, टैक्सेशन इज योर पेपर फोर इन सीए इंटरमीडिएट. तो ये मैं सारे आपको आज थोड़ा थोड़ा बेसिक इंट्रोडक्शन देने वाली हूं. नाउ निर्मला सीतारामन जी इज द सेकेंड फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर आफ्टर इंदिरा गांधी, बट फर्स्ट फुल टाइम. बट शी इज द फर्स्ट फुल टाइम. इंदिरा गांधी जी जब प्राइम मिनिस्टर थी, उन्होंने फाइनेंस का पोर्टफोलियो खुद के पास रखा था. सो शी वॉज नॉट अ फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर. सो निर्मला सीतारामन जी इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर. अच्छा, कोई सीए वैसे बने थे क्या फाइनेंस मिनिस्टर? एनी चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर? आपको पता है क्या? बताओ जरा. हाँ, जीएसटी के बारे में बताऊंगी, सब बताऊंगी. हाँ, सब कुछ. यस, वेरी गुड. नो, अरुण जेटली जी इज एन एडवोकेट. अरुण जेटली जी कौन थे? एडवोकेट. अगर आप मोस्टली देखते हो तो मोस्ट ऑफ अ फाइनेंस मिनिस्टर्स आर एडवोकेट्स. ओके, सो प्रणब मुखर्जी वॉज एन एडवोकेट, अरुण जेटली जी वॉज एन एडवोकेट, ऑफकोर्स मनमोहन सिंह वॉज एन इकोनॉमिस्ट वेयर ही हैड अ वेरी वेरी हाई क्वालिफिकेशन. यस, नाउ ऑफकोर्स पीयूष गोयल जी. यस, सो पीयूष गोयल जी वॉज द फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हु वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर. सो पीयूष गोयल जी फर्स्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट है जो फाइनेंस मिनिस्टर बने थे, राइट. यस, निर्मला सीतारामन जी ने कितने बजट प्रेजेंट किए? सो शी प्रेजेंटेड फॉर 1920, 2021 एंड 2021-22. सो दिस इज द बजट दैट वी आर गोइंग टू स्टडी. तो हम कौन सा फाइनेंस एक्ट पढ़ने वाले? ओ माई गॉड, अयो, पेन की इंक मैं एडजस्ट करती हूँ. सो हम फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ने वाले. यस, सो वी आर गोइंग टू लर्न फाइनेंस एक्ट 2021. आर यू गेटिंग दैट? कम ऑन. सो वी आर गोइंग टू स्टडी फाइनेंस एक्ट 2021. हमारे अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है. कौन सा अटेम्प्ट बताना जरा, कौन सा फिर से बताना. मैं आज का लेक्चर कौन से अटेम्प्ट के लिए ले रही हूं? मैं आज के ये लेक्चर्स और ये जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूं पूरा सब आगे का टेक्स्ट,
ये कौन से एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होने वाला है. आई वॉन्ट एन आंसर फ्रॉम यू गाइज, कम ऑन. सो दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर May 22 एंड इट इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर November 22. सो इज दैट क्लियर टू एवरीबडी? हाँ बिल्कुल. तो आप 3 साल में सीए बनने वाले हैं तो फोकस्ड रहना है. यू हैव टू पे अटेंशन, एक्ट एंड बिहेव लाइक प्रोफेशनल्स. तो मुझे भी ऐसा फील आना चाहिए कि हाँ वाओ आई एम टीचिंग सीए स्टूडेंट्स, राइट? सो दैट इज व्हाट आई हैव टू गेट इट. फेस टू फेस स्टार्ट होगा क्या? फेस टू फेस पोस्ट रिजल्ट होगा? अभी फिलहाल तो उसके बारे में पता नहीं है. सो इट मे वी मे स्टार्ट फेस टू फेस पोस्ट रिजल्ट आफ्टर द रिजल्ट्स. ओके, सो ये जो निर्मला सीतारामन जी है ये हमारी फिलहाल फाइनेंस मिनिस्टर है. सो शी इज द फाइनेंस मिनिस्टर, राइट? हाँ. एंड शी इज प्रेजेंटेड 3 budgets सो फार. सो फाइनेंस एक्ट 2019, फाइनेंस एक्ट 2020 एंड फाइनेंस एक्ट 21. सो दीज आर द 3 finance acts शी इज प्रेजेंटेड एंड ऑल दिस दैट आई एम टीचिंग यू इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल. फाइनेंस एक्ट 2021 इज एप्लीकेबल फॉर योर अटेम्प्ट एंड योर एग्जाम्स कुड बी इन May 22 और दे कुड बी इन November 22. ओके, अच्छा. वैसे बच्चों टैक्स हमारा जो पेपर है ये पेपर कौन सा है? टैक्सेशन इज पेपर 4 इन Group 1. इंटरमीडिएट में आपको कितने ग्रुप्स है? यू हैव 2 groups, राइट? सो देयर आर 4 subjects इन Group 1. सो टैक्सेशन जो है इट इज पेपर 4. सो क्या है टैक्सेशन बताना? इट इज पेपर 4. 100 marks है. इस 100 marks का ब्रेकअप क्या है? आई एम गोइंग टू स्टार्ट टीचिंग सीए फाइनल वेरी सून. यस, सो कैन यू टेल मी इसका ब्रेकअप क्या है? चलो पेपर 4, कम ऑन गाइस, आई वांट अ इंटरएक्टिव सेशन. पेपर 4 का ब्रेकअप क्या है? 70-30 नक्को रे, 60-40. हाँ 60-40. नाउ 60-40, सो 60 इज फॉर इनकम टैक्स एंड 40 इज फॉर GST, राइट? नाउ कुछ बच्चों को जिन्होंने एडमिशन्स ली है आपको बुक्स मिली होंगी, डिस्पैच हुआ है. टैक्स की बुक्स थोड़ी सी लेट आती है क्योंकि मुझे अमेंडमेंट करना पड़ता है एवरी ईयर. आई हैव टू चेंज द बुक्स. इट्स नॉट लाइक ओल्ड बुक्स आपको भेज दी, ऐसा नहीं चलता है. बुक्स के बारे में बताऊंगी, टोटल कितनी बुक्स है, क्या कौन सी बुक क्या है, हम कैसे पढ़ने वाले हैं, मैं सब कुछ कवर करने वाली हूं. सो वेट, रिलैक्स. यस, तो पेपर 4 के बारे में बात हो रही है गाइस. पेपर 4 इज 60 marks ऑफ इनकम टैक्स एंड 40 marks ऑफ GST, बरोबर? यस. सो वी हैव दिस ब्रेकअप ओवर हियर. डू यू नो इज योर पेपर कंप्लीट सब्जेक्टिव? और कैसा है आपका पेपर, कैसा है? 70-30 जो पैटर्न मैंने दिया है ये MCQ के हिसाब से दिया है. MCQ इज 70-30. यस 70-30. हाँ बरोबर, बोलते रहने का मेरे साथ साथ. क्लास में इंटरेक्शन होना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए आप क्लासरूम में बैठे हो, वहां बैठ के आपको आंसर्स देने. घर पे जो पेरेंट्स हैं उनको भी लगना चाहिए यार हाँ बच्चा पढ़ रहा है, बच्ची पढ़ रही है, आंसर दे रहे, जवाब दे रहे. तो इंटरैक्टिव सेशन चाहिए मुझे, क्लासरूम वाला फील मुझे भी आना चाहिए और आपको भी आना चाहिए. कम ऑन. सो हियर मैम ये 70-30 क्या है? ओ हो, ये ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए 70-30 है. यस, सो 70-30 में क्या है? 30 marks इज MCQ, 70 इज सब्जेक्टिव. हाँ मैम, जिनके पास बुक्स नहीं है कोई बात नहीं, बुक्स नहीं है तो नोटबुक ले लो और लिखो. नोटबुक लेके लिखना चालू करो. यस, नोटबुक लेके लिखना चालू करो. पहला आप लिखोगे टैक्सेशन पेपर 4 इन Group 1. सो राइट डाउन पेपर 4 इन Group 1. जिनके पास नोट्स है यहां पे सब दिया हुआ है, जिनके पास नोट्स नहीं है फिर भी वो लिखेंगे. जो 21 के लिए बुक्स है वही इनके लिए कैसी चलेंगी? ध्रुव क्या पूछ रहा है? मैम जो दिसंबर 21 के लिए आपकी बुक्स है वही बुक्स हमारे लिए है क्या? नहीं बेटा, अगर फाइनेंस एक्ट चेंज हो गया तो चेंज हो जाएगा ना, वही बुक्स कैसे चलेगी बेटा? एंड वाई आर यू आस्किंग, आई डोंट अंडरस्टैंड. तुम्हें जो बुक्स एप्लीकेबल है मैं वही सही वाली बुक्स दूंगी ना. या नोट्स का लिंक मैं कल देती हूँ, मैंने अपडेट आज नहीं किया, नोट्स का लिंक कल दे दूंगी. ओके यस, नोट्स का लिंक मैं कल दे दूंगी. यस कम ऑन गाइस, 30%. तो ये जो बार है ये किसके लिए है? दिस इज 60 marks. या दिस इज 60 marks ऑफ इनकम टैक्स, दिस इज 40 marks ऑफ GST. तो GST के 40 marks में से 12 marks के MCQ आएंगे, राइट? सो प्लीज यू कैन जस्ट अपडेट दैट ऑल्सो इफ यू वॉन्ट, प्लीज डू दैट. सो 12 marks के MCQ आएंगे, 28 marks का डिस्क्रिप्टिव. जिनके पास नोट्स नहीं है नोटबुक में खोल के लिखो. And you have to follow my instructions absolutely. लिखो मतलब लिखो, you have to write down. Yes, यहां पे सिर्फ मेरा ही राज चलने वाला है. My class, my rules. You have to absolutely follow my instructions. Only then we can have an effective class. Come on, come on, come on.
सो 40 जीएसटी का ब्रेकअप क्या बताओ, 40 जीएसटी में से 12 मार्क्स इज गोइंग टू बी एमसीक्यू, 30% ऑफ दैट, एंड 28 इज डिस्क्रिप्टिव, ओके। एंड इनकम टैक्स का ब्रेकअप बोलो, 60 मार्क्स में से क्या होगा, 30% माने 18 मार्क्स इज एमसीक्यू, 42 इज डिस्क्रिप्टिव, 18 मार्क्स इज एमसीक्यू, राइट? यस, सो प्लीज अंडरस्टैंड, 42 मार्क्स ये डिस्क्रिप्टिव होगा, यस, सिलेबस ह्यूज है, बिल्कुल सही, यस। पेनड्राइव लेक्चर्स में भी यही लेक्चर्स मिलेंगे इनकम टैक्स के, पेनड्राइव स्टूडेंट्स को मैं जीएसटी दे दूंगी जो मैंने जून में रिकॉर्डिंग किया है, सो जीएसटी एब्सोल्युटली ओके, कोई उसमें कम अमेंडमेंट आने वाले, टैक्स का पूरा चेंज हो गया, इसीलिए टैक्स के यही लेक्चर्स आपको मिलेंगे पेनड्राइव में भी। सिलेबस इज ह्यूज, लेकिन डरना नहीं है, मैं हूं आपके साथ। हाँ, नाउ डज एमसीक्यू हैव नेगेटिव मार्किंग, डज एमसीक्यू हैव नेगेटिव मार्किंग, यू शुड नो योर पेपर फर्स्ट, पेपर पैटर्न, इंस्ट्रक्शंस, ये मेरी रामबाण बुक में है। सो मेरा सवाल है आपसे, डज एमसीक्यू हैव नेगेटिव मार्किंग, डू यू, अगर आंसर गलत चला गया क्या आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, डू यू हैव नेगेटिव मार्किंग, एंड आंसर इज नो, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, करेक्ट? नॉट गिवन इट हियर इन द रूल्स, यू कैन राइट इट डाउन, देर इज नो नेगेटिव मार्किंग, यस, सो यू कैन जस्ट नोट इट डाउन, जिनको ये डाउट्स आते हैं प्लीज आप नोट करो। पेन ड्राइव में कितने लेक्चर्स होंगे, लगभग 200 घंटे का डीटी चलता है, 1700 आवर्स से ऊपर जीएसटी चलता है। हाँ, नाउ क्वेश्चन पेपर, नाउ क्वेश्चन पेपर में पार्ट वन 30 मार्क्स के एमसीक्यूज आते हैं, अलग से आपको ओएमआर शीट आता है, ओएमआर शीट आपने फाउंडेशन में किया, जहां आप गोले बनाते हो, यू मेक दोस डार्क सर्कल्स, सो आपको 30 मार्क्स का पेपर ओएमआर शीट में आएगा, तो वो आपको आंसर करके सबमिट करना है, क्वेश्चन पेपर भी और उसका ओएमआर शीट भी इंस्टीट्यूट आपसे छीन लेगी, आपसे ले लेगी, आपको नहीं देगी वो क्वेश्चन पेपर भी, राइट? सो देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन पेपर, देयर इज ए पार्ट, सो फर्स्ट एमसीक्यू के लिए एक आएगा ओएमआर शीट, सो यहां पे आपको गोले बनाने हैं, नो नेगेटिव मार्किंग, सो जीएसटी का एमसीक्यूज आएंगे, इनकम टैक्स के एमसीक्यूज आएंगे, आप जब कंप्लीट हो जाएगा ओएमआर शीट और क्वेश्चन पेपर इंस्टीट्यूट आपसे ले लेगी। नाउ बचा हुआ 70, दिस इज डिस्क्रिप्टिव, दिस 70 विल कंसिस्ट ऑफ टू सेक्शन, सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, वाई टू डिफरेंट सेक्शन? ओएमआर के लिए टाइम होता है, सो यू डोंट हैव टू वरी, इट देयर इज नो बाइफिकेशन, सो इट्स 3 hours, सो यू कैन कंप्लीट योर ओएमआर एंड राइट इट एंड स्टार्ट विथ योर डिस्क्रिप्टिव पेपर। नाउ डिस्क्रिप्टिव पेपर ऑल्सो यू हैव टू राइट, सॉल्व सेक्शन ए अलग से एंड जीएसटी अलग से, क्योंकि पेपर चेकिंग ये अलग अलग लोगों के पास जाता है, सो सेक्शन ए विल बी इनकम टैक्स एंड सेक्शन बी विल बी जीएसटी, ओके। आंसर्स टू बी रिटन ऑन ओएमआर शीट, ऑल क्वेश्चंस कंपलसरी, नो नेगेटिव मार्किंग, ये एमसीक्यू के लिए है, सो ये इंस्ट्रक्शंस क्लियर है। सेक्शन ए कितने मार्क्स का, नाउ सो सेक्शन ए होगा इनकम टैक्स का और सेक्शन बी होगा किसका, जीएसटी का, बरोबर? यस, तो इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं, इनकम टैक्स में 4 क्वेश्चंस होते हैं, पहला कंपलसरी होता है, पहला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, यस। ए शिवम, इनकम टैक्स एमसीक्यू की प्रैक्टिस कैसे करेंगे, अरे पहले पढ़ तो लेते हैं फिर प्रैक्टिस की बात करेंगे, सब बताऊंगी अभी मैं, हाँ ठीक है, चल फिर, यस, नाउ अंडरस्टैंड, कम ऑन, क्वेश्चन वन ये कंपलसरी होता है, आपको चॉइस नहीं है, आगे के कुछ क्वेश्चन में ऑप्शनल होता है, तो आइदर ए सॉल्व करो और बी पार्ट सॉल्व करो। मैम मैं तो बहुत, हमने तो बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मैं तो दोनों सॉल्व करूंगा, एग्जामिनर को लेने दो बेस्ट ऑफ वट एवर इज माई आंसर, ऐसा नहीं चलेगा, वो पहले वाले क्वेश्चन लेंगे, बोलेंगे हमको ज्यादा काम पे मत लगाओ, तो जहां पे ऑप्शन दिया है आप दोनों पार्ट सॉल्व करके आओगे, ऐसा नहीं चलेगा, डू नॉट डू दैट। आउट ऑफ क्वेश्चन वन इज कंपलसरी, आउट ऑफ क्वेश्चन टू थ्री एंड फोर सॉल्व एनी टू, तीनों भी सॉल्व करके मत आना, तीनों भी सॉल्व करके मत आना, कि यार मैंने तो टाइम था मैंने सब सॉल्व कर दिया, एग्जामिनर को जो मेरा बेस्ट ऑफ द 3 होगा वो लेंगे, ऐसा नहीं है, बेस्ट ऑफ द 2 लेंगे ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दे विल गो इन द सीक्वेंस, जो पहले सॉल्व किया वो लेंगे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो चेक भी नहीं करेंगे, सो डू नॉट डू दैट, राइट? इज दैट क्लियर? इसके बाद जीएसटी में देयर आर 3, जीएसटी विल हैव 3 क्वेश्चन, नॉट 4, 4,
So question 5 is compulsory. Out of the remaining 3, you have to solve any 2. Correct? Are you getting it? Right? Okay. So party chalo. Summary, to cut the line short, cut the story short, get me 60 marks of income tax, 40 marks GST. Total 100 में से 30% are for MCQ. 30% MCQ जो होंगे वो OMR शीट पे आप सॉल्व करोगे. नेगेटिव मार्किंग नहीं है. MCQ में कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा. सारे क्वेश्चंस कंपलसरी होंगे. जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है उसमें दो पार्ट्स होंगे, पार्ट ए इनकम टैक्स, पार्ट बी जीएसटी. सो यू शुड सॉल्व देम सेपरेटली बिकॉज दे गो टू अ सेपरेट एग्जामिनर फॉर पेपर चेकिंग. राइट? ओके. सो अंदाजन आ गया. अरे अभी तो स्टार्ट करना है, सो डोंट वरी. एंड एज वी प्रोसीड यू विल अंडरस्टैंड. रफ आइडिया आ गया? डिड यू गेट अ रफ आइडिया ऑफ हाउ द पेपर इज गोना बी? यस, कम ऑन, गिव मी अ थम्स अप. डिड यू गेट अ रफ आइडिया हाउ द पेपर इज गोना बी? गिव मी अ थम्स अप. प्रवीण, तुमने लेक्चर लेट ज्वाइन किया है क्या? मैं पहले ही बता चुकी हूं ये क्लासेस किसके लिए, बताओ कौन से अटेम्प्ट के लिए ये क्लासेस. बच्चों आप बता दो जरा, फॉर हाउ मेनी पीपल, कौन से अटेम्प्ट के लिए हम वैसे ये लेक्चर्स कर रहे हैं. थैंक यू. सो वी आर डूइंग इट फॉर May 22 एंड वी आर डूइंग इट फॉर November 22. सो May 22 और November 22 के लिए ये एग्जाम्स है. थैंक यू फॉर टेलिंग हिम. यस, दिस इज अबाउट माय स्टूडेंट्स, द क्लासेस दैट वी हैव. ओके, नाउ मैं थोड़ा बुक्स के बारे में बताती हूँ, फिर जो पेपर सब्जेक्ट हम करें, टैक्स कितना गहरा है, कितना डीप है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगी. फर्स्ट लेट मी टेल यू अबाउट बुक्स. रोहित, आई गॉट 78 इन टैक्सेशन इन Jan 21. वाओ, योर स्टूडेंट, दैट्स नाइस रोहित, कांग्रेचुलेशंस, कांग्रेट्स. यस, एंड टैक्स इज अ स्कोरिंग सब्जेक्ट. टैक्स इज अ वेरी वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट. बिल्कुल, काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है. इट्स वास्ट बट इट्स मैनेजेबल एंड इट्स अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट. पूरा सॉल्विंग, यू नो, एट द एंड आप असेसी, आपके रिलेटिव्स के सैलरी रिटर्न्स आप उनको गाइड कर सकोगे, आप टैक्स लायबिलिटी बता पाओगे. इतना तो आप कर ही पाओगे कि आप इंडिविजुअल्स जो होते हैं, प्रोप्राइटर्स जो होते हैं, जो बिजनेस करते हैं, उनका तो आप टैक्स कैलकुलेशन, रिटर्न फाइलिंग तक प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं आएगा, क्योंकि वो आपको आर्टिकलशिप के दौरान मिलेगा. बट बिलीव मी, यू विल बी एबल टू सी, अगर कहीं आपके रिटर्न होते हैं, आपके रिलेटिव है, उनका रिटर्न देखोगे, अच्छा ऐसे फाइलिंग क्या है, आपको आधे से ज्यादा, 60% से ज्यादा आपको उसमें नॉलेज आ जाएगा. मैम ऐसा क्यों बोल रहे हो आप? अरे कुछ तो फाइनल के लिए भी रखना पड़ेगा ना. फाइनल में भी है ना 100 marks का डायरेक्ट टैक्स. फाइनल में डायरेक्ट टैक्स का पेपर अलग, इनडायरेक्ट टैक्स का पेपर अलग. फाइनल में डायरेक्ट अलग, इनडायरेक्ट अलग. अभी वी वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस यू टू डायरेक्ट. डायरेक्ट हम काफी हद तक करते हैं, जीएसटी भी हम करते हैं, बट जीएसटी का वेटेज इज लेसर. 40 मार्क्स का ही वेटेज है आपको अभी इसमें. पहले मैं डीटी करूंगी, इनकम टैक्स से स्टार्ट करूंगी, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे जीएसटी से. चलो मुझे एक चीज आपसे जाननी है, आप टैक्स पेयर हो क्या बच्चा लोग? आई ऑल टैक्स पेयर्स? ड्यू पे टैक्स? मुझे आपसे जानना है, क्या आप टैक्सेस पे करते हो? हाँ, नो, डू ऑल पे टैक्स? यस. सो यू आर सेइंग यस, वी ऑल आर पेइंग. ओ नाइस, ऑल ऑफ यू ऑल. समबडी इज सेइंग नो, समबडी इज सेइंग यस. ओनली जीएसटी? ओके, कुछ नो बोल रहे, कुछ बोल रहे कि हाँ हम इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं, कुछ बोलते हैं नो, सम आर सेइंग यस, सम आर सेइंग यस मैम वी आर पेइंग, बट वी आर पेइंग ओनली इनडायरेक्ट टैक्स. तो अलग अलग आंसर्स आपके आ रहे हैं. ओ, आई फाइल माय आईटीआर आल्सो, नाइस. टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट बोथ द ग्रुप्स? एक ही क्वेश्चन बार बार मत पूछो, एक ही क्वेश्चन बार बार मत पूछो. फॉलो सम डिसिप्लिन हियर. Yeah, you all are paying taxes, right? Pendar students, आप भी घर बैठे बैठे, Google Drive students जो घर पे बैठे हैं, Pendar students आप घर पे बैठ के देख रहे हो lectures, तो please आपको भी जवाब देना है, participate करना है. Yes, so answer is yes, you all are paying taxes. Absolutely. आप सब लोग taxes pay कर रहे हो. मैं आपको बताती हूँ example. Now, let us understand कि आप कुछ खरीदने गए. अच्छा, by the way, ये जो picture है, ये AIR 1 रेखा सुतार है. She was my student, so she is AIR 1 in CA Intermediate. मेरे बहुत सारे students हैं जो rank holders रह चुके हैं. I have
not kept a track of the numbers. Yes, yeah, so she is AIR 1. तो आपको भी टारगेट रखना चाहिए. टैक्स वैसे काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट भी होता है. यस, इट्स एब्सोल्युटली स्कोरिंग सब्जेक्ट. सो यू मस्ट ट्राई एंड टारगेट कि यस हम लोग भी कर पाएंगे. राइट, यस. नाउ थैंक यू बेटा, थैंक यू निशा. फाउंडेशन के बच्चे भी है काफी सारे. यस, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड क्या सीन है अभी यहाँ पे. What you have to know, are you all taxpayers? ये मैंने आपसे सवाल पूछा था, तो उसका आंसर है yes, you all are. Add one more in the list, ma'am. Yes, Siddhesh, I'm going to add one more in the list. Yes, yes. हाँ, and बच्चा लोग आप सब tax pay करते हो. Don't you go to buy stationery? आप hotel में खाना खाते हो, swiggy से खाना मंगाते हो घर पे? Stationery, hotel, yeah? You all on this are paying GST. Yeah, you all are paying GST. Have you paid coaching class fees? Foundation की तो पे करी होगी, इंटर के कुछ बच्चों ने करी है. कोचिंग क्लास की फीस पे करी है आपने? Have you paid the coaching class fee for CA coaching? Foundation में तो पे करी है. अभी तो लाइव स्ट्रीमिंग में कुछ बच्चों ने, काफी बच्चों ने एडमिशन्स लिया है, तो आपने फीस पे करी है ना? You've paid the fees, right? Yes, on that fees, guys, there is GST also. So you all are paying indirect taxes. आप सब लोग इस कंट्री के टैक्सेस में कंट्रीब्यूटर है. यू ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग. यस, यू ऑल आर कंट्रीब्यूटिंग एंड यू ऑल आर पेइंग टैक्सेस. सम ऑफ यू मे नॉट बी, ना यू डोंट हैव इनकम. सो अगर आपको इनकम भी होता आप अर्न करते, तो गाइस आप इनकम टैक्स भी पे करते थे. तो आप इनकम टैक्स शायद इस पॉइंट पे नहीं पे कर रहे, बट सारे बच्चे जीएसटी माने इनडायरेक्ट टैक्सेस तो पक्का ही पे कर रहे. तो आज मैं आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या है, डायरेक्ट टैक्सेस क्या है, ये सब बताऊंगी, बट थोड़ी देर में. यस, तो यू ऑल आर टैक्स पेयर्स. इनकम किसी का होगा. इफ समबडी इज अर्निंग इनकम, यस यू विल बी पेइंग इनकम टैक्स. इफ यू आर नॉट अर्निंग इनकम, देन देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ यू गाइस पेइंग इनकम टैक्स. करेक्ट. तो ये सारे सवालों के आपको जवाब मिलेंगे कि मैम जीएसटी एग्जैक्टली क्या होता है, किसको जीएसटी लगता है, मैम इनकम टैक्स क्या है, मैम कितने टैक्सेस है. एंड यू नो क्यूरियोसिटी बहुत आ जाती है हमारे इसमें, जो बहुत ही अच्छी बात है. नाउ मुझे आपको और क्या बताना है. यस, नाउ सारे टैक्स पेयर्स तो हो ही आप. आई गिव यू ब्रीफ अबाउट माई सेल्फ. सो आई एम सी ए पूजा कामदार दाते. मैम क्या है, कितना लेट इंट्रो दे रहे हो. यस, आई हैव बीन टीचिंग फॉर लास्ट 19 ईयर्स. आई क्वालिफाइड इन जनवरी 2002. यस, माई फाइनल अटेम्प्ट वॉज इन, मेरे फाइनल का एग्जाम्स थे नवंबर 2001. आई गेव माय फाइनल एंड मे 2000 आई गेव माय इंटरमीडिएट, है ना. सो आई क्वालिफाइड. इट्स योर एज शैलेश. यस, बाय द वे व्हाट्स योर एज. यस, सो आई क्वालिफाइड इन जनवरी 2002. आई गेव माय फाइनल एग्जाम्स इन नवंबर 2001 एंड इंटर इंटरमीडिएट का जो मेरा एग्जाम है वो मैंने मे 2000 में दिया. सो आई हैव 19 ईयर्स का एक्सपीरियंस. हाँ, तो आई हैव 19 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. सो व्हाट्स योर एज बाय द वे. 18. तुम लोग क्या हो, 17, 18, 19? अच्छा, ओ यस, सो यू वर बॉर्न व्हेन आई हैव क्वालिफाइड. ओके, हाँ, अक्षत इज गोइंग टू सेलिब्रेट हिज बर्थडे इन 2 days, इट सीम्स. वाओ, 36, 20, ओके, ग्रेट. हाँ, नाउ आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट. हाँ, तो मुझे डॉक्टर बनना था, बट लेक्चर देखने आ गए, अच्छी बात है. यस, सो आई वॉज अ साइंस स्टूडेंट एंड आई वॉन्टेड टू बिकम अ डॉक्टर, बट ये प्लान थोड़ा सा मेरा चौपट हो गया. हाँ, हर एक चीज लाइफ में अपने प्लान के हिसाब से नहीं होती है. फ्यू थिंग्स आर डेस्टिनी, सो यू नेवर नो. यस, एंड देन आई शिफ्टेड टू कॉमर्स एंड देन आई डिड माई सी ए. आई वॉज आई एम आई हैड अ रैंक इन इंटर. आई वॉज 25th रैंक होल्डर एंड फाइनल आई एम 33rd रैंक होल्डर, 33 ऑल ओवर द इंडिया. राइट, आई डिडंट बिकम अ डॉक्टर. वाई? आई डिडंट गेट अ ग्रेट स्कोर इन 12th स्टैंडर्ड. आई स्टडीड वेरी हार्ड बट मेरा स्कोर नहीं बना वहां पे. एंड देन आई डिडंट वॉन्ट अ पेमेंट सीट, नहीं चाहिए था मुझे कॉलेज में.
So, and my dad was already into this field. My father is into practice for last 25, 30 years. Yes, so I am practicing chartered accountant basically. I practice and I'm a full-time practicing chartered accountant, right? And of course, my husband is also a chartered accountant. So, maybe that was my destiny, you know. So, CA banna hi mere destiny mein tha. So, what I want to tell you is, this is my background. I am a practicing chartered accountant. I've been teaching for last 19 years, so you know my experience. तो मैं आपको एक्सपीरियंस से बताती हूँ मेरी कुछ चीज़ें कि आपको डाउट आने से पहले ही वो डाउट सॉल्व हो जाएगा. डाउट पूछना मत, आपके मन में रखना, क्योंकि कहीं ना कहीं, या लिख के रखना, यू नो यू फील कि नहीं यार मैम हम भूल जाएंगे, मन दिमाग में रखेंगे तो भूल जाते, बाजू में लिख के रखो. वेट टिल आई कंप्लीट दैट कॉन्सेप्ट, बिकॉज ओवर द एक्सपीरियंस आई नो बच्चों को यहाँ पे क्या डाउट आता है. यहाँ पे उनको ऐसा नहीं समझता है तो अलग से तरीके से पढ़ाना है. दैट एक्सपीरियंस डेफिनेटली हेल्प्स मी टू कनेक्ट विथ यू बेटर, अंडरस्टैंड यू बेटर एंड मेक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट वेरी वेरी बेटर. सो बिकॉज आई शिफ्टेड फ्रॉम साइंस, मुझे खुद को पता है कि कॉन्सेप्ट कितनी जरूरी होती है. कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आएगी तभी आप इस एग्जाम को क्रैक कर पाओगे. सो दैट इज वॉट आई रियलाइज दैट येस आई हैव टू मेक माई स्टूडेंट्स ऑल्सो कंसेप्चुअली स्ट्रांग, एंड दैट इज वाई आई हैव एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु बीन रैंक होल्डर्स. सो एज सुन एज आई क्वालिफाइड इन 2002, जनवरी 2002 आई स्टार्टेड टीचिंग एंड आई स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग. मई 2002 से मैंने प्रैक्टिस चालू की. मेरा सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है वो तभी आया था. एंड मैं जहाँ पे आर्टिकलशिप मैंने करी थी वहाँ के, हमारी बड़ी फॉर्म थी तो आर्टिकल्स हैं, दे वर लाइक यार दिस टैक्स इज वेरी डिफिकल्ट, एंड आई वाज लाइक नो नो आई एंजॉय टैक्स, कम आई विल टीच यू. सो दैट इज हाउ आई स्टार्टेड विद 5 स्टूडेंट्स एंड आई स्टार्टेड टीचिंग देम, राइट राइट. सो दैट इज हाउ यू नो द थिंग इज. तो आप यहाँ पे एक डरना नहीं, वन थिंग इज वेरी श्योर दैट यू गोना गेट 100% कंसेप्चुअल क्लैरिटी. नाउ मैं आपको क्या क्या बुक्स देने वाली हूँ, सो लेट्स गेट अबाउट द बुक्स दैट आई एम गोना गिव यू. सो टीच एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स. राहुल 25 कैसे हो गया? अथर्व तू बच्चों को डरा मत, मैम काट डालेगी. मैं कुछ नहीं ऐसा करती हूँ, आई एम नॉट अ स्ट्रिक्ट टीचर. ये बच्चे मुझे बदनाम करते रहते हैं. अथर्व राहुल नॉट एक्सपीरियंस ऑफ 25 ईयर्स. हाय गणेश. ओके ना फोकस करेंगे बुक्स में आपको क्या देती हूँ. इनकम टैक्स के लिए आई विल गिव यू रामबाण. सो प्लीज राइट डाउन द लिस्ट ऑफ द बुक्स दैट यू गोना गेट. रामबाण, रामबाण उपाय बोलते हैं ना, तो बस ये एक रामबाण आप बुक करके जाओ एंड यू आर सॉर्टेड फॉर इनकम टैक्स. उसके बाहर से कुछ नहीं आएगा. यू डू दैट वन बुक एंड यू आर सॉर्टेड गाइज. यस हाँ, स्वप्निल सर ने मजाक किया था ना, 25 ईयर्स का एक्सपीरियंस. यस करेक्ट. हाँ ना, इनकम टैक्स रामबाण देखो. इनकम टैक्स रामबाण, दीज आर आर रेगुलर नोट्स. इसमें रेगुलर नोट्स है हमारी, ये कलर्ड नोट्स है, ये हैंड रिटन नोट्स है. दीज आर कलर्ड एंड दीज आर हैंड रिटन नोट्स. ये सब कुछ है इसमें, स्टार्टिंग फ्रॉम पेपर पैटर्न, चैप्टर वाइज मार्क्स का वेटेज, एंड में आपने क्या करना चाहिए. आपने मेडिटेशन करना चाहिए, थोड़ा फोकस स्लीप पे होना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए. एंड में है एक शेड्यूल दिया गया है आपको एंड में. सो यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आई हैव गिवन यू इन ऑल दिस, सो यू विल अंडरस्टैंड इट. देर उसके बाद है इनकम टैक्स का प्रश्न मंजूषा. क्या 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 मंजूषा, मंजूषा को रोज लेके आने का. हाँ, सो आई विल बी गिविंग यू प्रश्न मंजूषा, मतलब क्वेश्चन बैंक. इसमें क्वेश्चंस है अफसाना. चल चल, तू लिखते लिख रही है कि नहीं लिख रही है? ये क्वेश्चन बैंक है. मिसिंग माय चॉकलेट्स. आई नो इन लाइव क्लासेस आई गिव चॉकलेट्स. आई यूज्ड टू डू दैट फेस टू फेस में. हाँ ना, चलो इनकम टैक्स का पहला बुक. चलो पहला बुक क्या है? रामबाण. उसके बाद प्रश्न मंजूषा. यस दैट्स योर क्वेश्चन बैंक. यहाँ पे क्वेश्चंस है, इसमें मैं क्वेश्चंस दिए हैं जो मैं सॉल्व करूंगी. सो दीज आर द क्वेश्चंस वी विल सॉल्व इन द क्लास. ये हम क्लास में सॉल्व करेंगे. डन, लिखा. थर्ड बुक, थर्ड यू विल गेट सारांश फॉर इनकम टैक्स. दैट्स अ चार्ट बुक, दैट्स अ चार्ट बुक. समरी होती है ना चार्ट, सारांश, सारांश में दिया है. मेरे बुक्स की सारे नेम सीरीज ऐसी है, रामबाण, प्रश्न मंजूषा एंड देन इट इज सारांश. ओके, मुझे गुजराती नहीं आती है यार.
थोड़ी मराठी आती है, हिंदी आती है, इंग्लिश आता है, आई एम अ सिंधी तो मुझे सिंधी आती है. ओके यस ओम यू आर पीडी स्टूडेंट्स को अमेंडेड. ए तो एक ही क्वेश्चन बार बार नहीं पूछने का, एक ही बार पूछने का. हाँ गेट दैट क्लियर. ओके चार्टबुक अभी फिलहाल आई हैव डिस्पैच्ड ओनली दीज टू बुक्स लाइव स्ट्रीमिंग स्टूडेंट्स को. अभी इन बच्चों को मैंने दो ही बुक्स दी है, इनकम टैक्स रामबाण एंड प्रश्न मंजूषा. अमेंडमेंट चालू रहते हैं ना बुक्स में, अभी जस्ट कंप्लीट होंगे मेरे सारे अमेंडमेंट्स, तो आ जाएंगे आपको. चार्टबुक के बाद ये सब इनकम टैक्स की बात हो रही है. इस बुक को मुझे नाम देना है अभी तक MCQs प्लस पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस. आई एम ट्राइंग टू लुक फॉर अ संस्कृत नेम फॉर दिस, अदरवाइज नहीं आया तो आई जस्ट कॉल इट एज क्वेश्चन बैंक और समथिंग लाइक दैट. सो इसमें पास्ट क्वेश्चन पेपर्स उसके आंसर्स विथ आंसर्स दिस विल बी गिवन. तो ये विथ आंसर्स और उसका एक्सप्लेनेशन आएगा. दिस यू हैव टू सॉल्व, दिस इज एडिशनल प्रैक्टिस, क्योंकि आपको आंसर्स भी दिए गए हैं इसके, तो ये एडिशनल प्रैक्टिस है. तो जैसे कभी कभी मैं कराती हूँ पेपर सॉल्विंग, जैसे अभी November 21 के लिए मैं पेपर सॉल्विंग कराने वाली हूँ, है ना. चलो आप लिख के ले रहे हो, बुक्स नहीं मिली डोंट वरी यू विल गेट इट. और अभी अभी कुछ डिस्पैचेस हुए, बुक्स जस्ट लास्ट वीक ही रेडी हुई है. आपको बुक्स नहीं मिली है तो डू नॉट वरी, आई विल टेल यू व्हाट इज टू बी डन. सॉफ्ट कॉपी मैं कल शेयर कर दूंगी इन द मीन वाइल. यस फाउंडेशन के रिजल्ट के बाद बिल्कुल आप लाइव बैच ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल आप लाइव स्ट्रीमिंग बैच आफ्टर द रिजल्ट भी ज्वाइन कर सकते हो, डू नॉट वरी अबाउट इट. Yes, the PD, if you opt for, there are two options in PD, I'll tell you that. Wait, let me finish. Notes का काम चल रहा है तो मुझे notes करने दो. पहले notes का मैं बता रही हूँ ना, flow disturb नहीं करेंगे. GST में you will get Ramban. These are like the notes. These are colored. And you will get Prashna Manjusha. इसी में सब कुछ आ गया. इसी में मैं MCQ प्लस एग्जाम क्वेश्चंस भी दे दूंगी. सो इसी में MCQ प्लस एग्जाम, मतलब दो प्रश्न मंजूषा नहीं दूंगी, एक ही मंजूषा में सब कुछ कंबाइन कर दूंगी इन GST, प्रश्न मंजूषा, एग्जाम क्वेश्चंस. ओके यस रामबाण, दिस इज नोट्स प्लस क्वेश्चंस. तो ये जो क्वेश्चंस है ये क्लास में करेंगे हम, दिस विल बी डन इन द क्लास. नो चार्टबुक. Why? क्या मैम नो चार्ट बुक ऐसे कोई बोलता है क्या? मैं बोलती हूँ ना नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि चार्ट्स मैं आपसे क्लास में करवाने वाली हूँ. पढ़ाई के साथ ही हम एक ब्रेन मैपिंग नोटबुक बनाएंगे जीएसटी के लिए, जहां पे हम चार्ट बना के लेंगे. गॉट इट? यस. तो हम लोग ब्रेन मैपिंग नोटबुक है तो चार्ट्स हम लोग जीएसटी के क्लास में बना के लेते हैं. डू यू गेट इट? सो नो चार्ट बुक हियर. प्रश्न मंजूषा ये कंबाइंड किया हुआ है, पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस एंड MCQ एक ही इसमें आ जाएगा. सो आई हैव कंबाइंड दिस प्रश्न मंजूषा. चैप्टर्स के नंबर्स कम है ना तो एक ही साथ कंबाइंड कर दिया. ओके गॉट इट? हाँ तो इन शॉर्ट आपको कितनी बुक्स आने वाली है काउंट करते हैं. ये इनकम एक, ये दो, सारांश तीन, ये चार. रामबाण दो वॉल्यूम्स में आता है, रामबाण जीएसटी के दो वॉल्यूम में आता है, Volume 1, Volume 2. सो ये पांच, ये छः, ये प्रश्न मंजूषा सात. सो यू विल हैव टोटल 7 बुक्स. सो आर यू क्लियर अबाउट हाउ मेनी बुक्स आई एम गोना गिव यू? वेरी ब्यूटीफुल नोट्स, अपडेटेड हैंड रिटन नोट्स है, बहुत ही अपडेटेड है. इनफैक्ट इनकम टैक्स के मेरे नोट्स में तो नीचे मैं बजट कोड देती हूँ हर चैप्टर के एंड में. बजट में फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या बोला और क्यों चेंजेस करवाए, आई एम गोइंग टू टेल यू द व्हाई ऑफ एवरी अमेंडमेंट आई एम गोइंग टू टेल यू द व्हाई. यस कम ऑन स्टूडेंट्स, सो ऑल चार्ज्ड अप, एवरीबडी चार्ज्ड अप ना? यस यू ऑल हैव टू बी चार्ज्ड अप कंप्लीटली. राइट डाउन द नंबर ऑफ बुक्स दैट यू आर गोइंग टू गेट, सो बी वेरी क्लियर अबाउट इट. पेन ड्राइव स्टूडेंट्स, गूगल ड्राइव स्टूडेंट्स, बी वेरी क्लियर अबाउट इट. हाँ, ऑल बुक्स आर नॉट येट रेडी, यू विल गेट इट इन इंस्टॉलमेंट्स. आपको घबराना नहीं है, हमारे पास लिस्ट होती है किसको क्या भेजा है. राइट, फॉर टैक्स रिलेटेड क्वेरीज दिस इज द व्हाट्सएप नंबर वे यू कैन कॉन्टैक्ट मी, माई स्टाफ विल गेट. आप यहाँ पे क्वेरीज अगर भेजते हो तो जनरली आई डू क्वेरी सॉल्विंग ओवर हियर ऑन व्हाट्सएप विथ वॉइस नोट्स. यस सो आ गया फंडा, क्लियर होगा? हो गया आपका पेपर 4 टैक्सेशन 100 मार्क्स, 60 मार्क्स इनकम टैक्स, 40 मार्क्स जीएसटी, 30% MCQs, नो नेगेटिव मार्किंग. MCQs अलग से OMR शीट पे होगा, डिस्क्रिप्टिव पेपर अलग से सॉल्व किया जाएगा, उसमें भी
इनकम टैक्स अलग, जीएसटी अलग, ऐसा काई को, अरे ऐसा काई को, बिकॉज टैक्स का पेपर, डायरेक्ट टैक्स के पेपर्स कहीं और जाएंगे चेकिंग के लिए, जीएसटी के अलग जगह जाते हैं, राइट, ओके। ओके, इज दैट क्लियर, डन। हाँ, तो ये हो गया मेरे बुक्स के बारे में, मेरा इंट्रोडक्शन हो गया है, बुक्स का हो गया है, अभी थोड़ा सब्जेक्ट का इंट्रो लेते हैं। ओके, आप टैक्स पेयर्स हो, अच्छा पहले तो जिस सब्जेक्ट में आप पढ़ रहे हो, वेयर डू वी गेट द बुक्स, मतलब क्या वेयर डू वी गेट द बुक्स, ये क्या है, चयन पत्रिका। अच्छा, व्हाट इज चयन का मीनिंग क्या है, चयन पत्रिका। थैंक यू संचाली फॉर सजेस्टिंग द नेम बेटा, थैंक यू, आई लुक फॉर इट, मैं देखती हूँ उसका मीनिंग क्या है, चेक करके बताती हूँ। हाँ अच्छा, सिलेक्शन, वेयर डू वी गेट द बुक्स, मतलब अनुषा, माय बुक्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सेल, दीज आर ओनली फॉर माय स्टूडेंट्स, हाँ बट आई डू, आई एम प्लानिंग टू सेल फॉर द, आई विल डू इट, सारांश एंड एमसीक्यू, ये जो है ये दो मैं सेल के लिए रखूंगी, बाकी बुक्स नहीं होते। ब्रह्मास्त्र वुड बी अ ग्रेट नेम, वाओ, हाँ अच्छे है, आप मुझे अच्छे सजेशन दे रहे हो, आई लाइक इट, ब्रह्मास्त्र इज ऑल्सो गुड, यस ओके, आई नोट इट डाउन। और चयन पत्रिका बोला ना, हाँ मैं चेक करती हूँ, संजीवनी बूटी संजीवनी बूटी जरा ज्यादा हो जाएगा, नहीं ओके चलो, थोड़ा सा टीपी कर लिया हम लोगों ने, है ना, अब हम बढ़ते हैं आगे टैक्स की ओर, यस, तो हम देखने वाले एक पिक्चर, यस दिस इज लाइक अ मूवी, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट लाइक अ स्टोरी, ओके, सो यू हैव टू ऑल अंडरस्टैंड दिस लाइक अ स्टोरी, यू हैव लेट जॉइन, नो प्रॉब्लम, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, हाँ पीडी के लिए सेम गाइस, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ स्टूडेंट, अ स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट, वेदर यू आर लाइव स्ट्रीमिंग योर पीडी स्टूडेंट्स और योर अ गूगल ड्राइव स्टूडेंट, अ स्टूडेंट इज अ स्टूडेंट फॉर अस, ओके, कोई डिफरेंसिएशन नहीं, यही नए लेक्चर्स मिलेंगे सिर्फ पेनड्राइव स्टूडेंट्स को, जीएसटी जो जून में रिकॉर्ड हुआ है दैट इज वेरी मच एप्लीकेबल फॉर दिस मे 22, बिकॉज जीएसटी का रिकॉर्डिंग जून में ही किया है, जून एंड में बैच खत्म हुआ है, सो जीएसटी का रिकॉर्डिंग वो है, प्लस इनकम टैक्स यू आर गोना गेट दिस लाइव स्ट्रीमिंग का रिकॉर्डिंग, सो यू डू नॉट हैव टू वरी अबाउट इट, एंड दैट इज वाई मे 22 स्टूडेंट्स जिन्होंने ओल्ड लेक्चर्स के लिए ऑप्ट किया है, दे गेटिंग ओल्ड लेक्चर्स प्लस अर्लियर रिकॉर्डिंग, यूट्यूब पे अमेंडमेंट देखेंगे, जो बोलते नहीं मैम हमें आज से जो लेक्चर है वो चाहिए, तो आपको वो मिलेगा, फिर आपको इंस्टॉलमेंट्स में मिलेंगे लेक्चर्स, गूगल ड्राइव के लिए तो लेक्चर्स इमीडिएटली ड्राइव पे अपलोड हो जाते हैं, ओके, थैंक यू आसिफ, थैंक यू। प्रश्न मंजूषा, प्रश्न मंजूषा कंटेन्स मॉड्यूल क्वेश्चन, येस, एंड पास्ट एग्जाम क्वेश्चन वुड बी हियर इन दिस बुक 4, यहां पे बुक 4 में पास्ट एग्जाम क्वेश्चन होंगे, ठीक है, ओके लेट्स गो अहेड। हाँ अभी हम टैक्स के बारे में बात करेंगे, एक मिनट, तो हियर मेरे जो नोट्स है ये देखिए, ये हैंड रिटन नोट्स है, नोट्स आर डिवाइडेड, ऑल चैप्टर्स आर डिवाइडेड इनटू कॉन्सेप्ट्स, डियर स्टूडेंट्स एक चीज बताओ ना, एग्जाम में क्या क्वेश्चन चैप्टर वाइज आएंगे, डू विल यू गेट क्वेश्चन चैप्टर वाइज, कि इस चैप्टर पे क्वेश्चन इस चैप्टर पे नहीं, मार्क्स का वेटेज होता है बरोबर, लेकिन क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड होती है, तो इसीलिए मैंने सारे चैप्टर्स में कॉन्सेप्ट्स को डिवाइड किया, चैप्टर्स को कॉन्सेप्ट 2 कॉन्सेप्ट 12, क्या होता है बच्चे क्या करते हैं, एक चैप्टर में एक आधा कॉन्सेप्ट थोड़ा डिफिकल्ट लगा, बच्चा पूरा चैप्टर को बदनाम करता है, अरे ये चैप्टर डिफिकल्ट है, डोंट डू दैट, एक हाथ कॉन्सेप्ट नहीं समझा, लेट्स डू दैट अगेन, लेट्स फोकस ओनली ऑन दैट कॉन्सेप्ट अगेन, पूरे चैप्टर को बदनाम नहीं करने का, हर एक को कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड किया, सो दैट अ कॉन्सेप्ट जस्ट फिट्स इनटू योर माइंड, सो एवरीथिंग देयर इज गोना बी अ लॉट ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, खास मैंने केवाईसी क्वेश्चंस बनाए, केवाईसी इज नो योर कॉन्सेप्ट, नो योर कॉन्सेप्ट, केवाईसी, यस, सो वी आर गोना हैव अ केवाईसी वेयर यू आर गोना नो योर कॉन्सेप्ट्स, यस। नाउ ये कॉन्सेप्ट वाइज डिवाइड किए हैं, ये हैंड रिटन मेरे नोट्स है, देखिए, सो दीज आर कलर्ड नोट्स, अमेंडमेंट्स अलग से बताए गए, चैप्टर के एंड में है,
चैप्टर के एंड में मैं आपको दिखाती हूँ, हर चैप्टर के एंड में मेरे बजट कोट्स होते हैं, मतलब बजट में क्या बोला गया है, यस फाइनेंस मिनिस्टर ने जो भी चेंज किया है क्यों किया है। अच्छा मैम बजट क्या होता है, एक्ट हर साल क्यों बदलता है, अभी वो सारे क्वेश्चन ये देखिए पहले। यस ये देखो दिस इज बजट कोट फेब्रुवरी 2021 निर्मला सीतारामन जी ने क्या बोला, व्हाट डिड शी से अबाउट अ पर्टिकुलर चेंज इन दैट चैप्टर। तो इस तरीके से हर चैप्टर के एंड में आई एम गोइंग टू गिव यू बजट कोट्स, सो एक्चुअली फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या सोचा और क्यों एक पर्टिकुलर चेंज लाया। जब आप उसका वाई जानते हो तो आपको वो कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आता है। सो यू आर गोइंग टू गेट अ आंसर टू एवरी क्वेश्चन की वाई डिड दे ब्रिंग दैट चेंज। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो द वाई, मैकेनिकली नहीं पढ़ना है। ओके यस नाउ Also understand that I'm very particular about query solving. Yes, I for pen drive, Google Drive students, there is a WhatsApp number जिस पर मैं query solving करती हूँ। मैम live streaming का क्या, तुम लोग तो chatting करोगे ही but discipline के साथ करोगे। When I'm teaching a concept, बीच में flow disturb नहीं करोगे, effectively आपका भी time waste नहीं होना चाहिए, आपका time बहुत precious है। Yes, you have a precious time है क्योंकि आपको syllabus time पे खत्म करके पढ़ाई करनी है, exam oriented भी plus practical oriented भी पढ़ाई करनी है, राइट पेनड्राइव स्टूडेंट्स के डाउट अभी तो बोला है यार भावना एंड माहौल, माई पेनड्राइव स्टूडेंट्स नो आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट डाउट सॉल्विंग, सो यू कैन सेंड योर क्वेरीज ऑन 7887875075। यहां पे मैं ट्वाइस अ वीक बैठ के सारी क्वेरीज वॉइस नोट के साथ भेजती हूं, आई माई सेल्फ लुक इन टू द क्वेरीज एंड आई सॉल्व दैम। ओके सो डू नॉट वरी अबाउट इट एट ऑल, या आई एम पर्टिकुलर अबाउट क्वेरी सॉल्विंग, लेकिन क्योंकि टैक्स ये नया सब्जेक्ट है आपको ये समझना है कि आप एक पिक्चर देखने आए हो। गाइज व्हेन यू कम टू वॉच अ मूवी क्या आपको पहली 10 मिनट में पिक्चर समझ में आती है क्या, बोलो ना आप बताओ। जब आप मूवी देखने जाते हो तो आपको पहले 10 मिनट में पूरी पिक्चर समझ में आती है, फिर क्या मजा, देन वॉट थ्रिल, कुछ तो सस्पेंस होता है, कभी कोई ट्विस्ट आता है, नया कैरेक्टर आता है, फिर एक स्पेशल गेस्ट अपीयरेंस होता है, हाँ कि नहीं। यस सो दिस इज हाउ द सेम थिंग अबाउट टैक्स, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट, यू डोंट इवन नो एनीथिंग अबाउट इट, सो आई हैव टू इंट्रोड्यूस यू टू दिस सब्जेक्ट, आई एम गोइंग टू टीच यू न्यू टर्म्स एवरी डे, यू हैव टू प्रॉमिस मी ऑफ नॉट मिसिंग अ सिंगल लेक्चर, आपने एक भी लेक्चर मिस नहीं करना है, आपको मैं हर रोज नया कुछ ना कुछ पढ़ाने और सिखाने वाली हूं। सारी चीजें लेक्चर वन में समझ में नहीं आएगी, लगभग आपकी और मेरी जो जर्नी है 4-4.5 महीने की होगी, सो अराउंड 4 to 4.5 months, क्या होता है लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, कभी टेक्निकल एरर हो सकता है, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट, कभी कभी मेरे यहां इंटरनेट जा सकता है, फॉर सम रीजन आई मे नॉट बी एबल टू टेक अ लेक्चर, कभी आपके यहां लैग होगा, आप लेक्चर नहीं देख पाओगे, तो तुरंत उसी दिन लेक्चर ऐप पे अपलोड होता है, फिर आप उसको ऑफलाइन मोड में देख सकते हो। कुछ ना कुछ टेक्निकल छोटी मोटी ऐसी चीजें होती रहेंगी जिससे आपको अपसेट नहीं होना है। लाइव स्ट्रीमिंग में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है लेक्चर्स को लेने के लिए, तो 4-4.5 months का आप पकड़ के चलिए ऑन एन एवरेज, दिस इज हाउ वी विल डू इट। राइट नाउ या यू हैव वेरी लेस टाइम, आई नो कोविड की वजह से ऐसा होने वाला है, आईसीआई की बुक्स, आईसीआई का ही मॉडल नहीं आया अभी तक, आईसीआई का ही मॉडल नहीं आया अभी तक May 22 जीएसटी का, हाँ तो इसलिए मैं कहां से बुक्स अपडेट करूंगी जीएसटी, तो अभी जब वो आएगा तब हम अमेंडेड पार्ट ले लेंगे, ज्यादा हम रुकेंगे नहीं, कितना टाइम रुकेंगे ना। हाँ टेस्ट सीरीज आपको सेपरेटली करनी पड़ेगी, मैं कभी कभी कहूट पे लाइव टेस्ट लेती हूँ, टेस्ट सीरीज आपको अलग से करना पड़ेगा, एक आध टेस्ट मैं ले लूंगी, या कहूट पे ऑनलाइन टेस्ट होती है, कहूट ऐप है, विच फन डूइंग इट ऑनलाइन टेस्ट मैं आपकी लूंगी, बट दैट इज सेपरेटली। ओके नाउ लेक्चर्स विल बी ऑन द ऐप, नाउ अंडरस्टैंड दिस अ फ्यू थिंग्स, नाउ राइट अच्छा अब हम थोड़ा सा समझते हैं स्टूडेंट्स, आपको पता है जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं टैक्स कितना इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नो, आपको कुछ अंदाजा है आपका पॉपुलेशन कितना है कंट्री का, हाँ अगर आप गूगल कर सकते हो तो कर लो, आपको पता नहीं होगा तो जस्ट टेल मी व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, 130 करोड़,
ओके 135 करोड़ अप्रॉक्स, ठीक है, दैट इज ओके, मोटा मोटी आ गया 130-135, गुड इनफ। लगभग 6% लोग टैक्स पेयर्स है इसमें से, कितने क्या बोल रहे हैं मैम आप, 6% ओनली 6% अप्रॉक्स पीपल आर द टैक्स पेयर्स जो रिटर्न्स भरते हैं। निकालो जरा 6% ऑफ दिस पॉपुलेशन, यस, लगभग टैक्स पेयर्स जो कितने हैं, आपके बारे में बोलो, आप मतलब ऐप के बारे में या मेरे बारे में, मेरे बारे में मैं बोल चुकी हूं ऑलरेडी। अप्रोक्सीमेट 6%, कोई 9% किसी ने बोला है, तो कितने करोड़ लोग टैक्स पेयर्स है, कितने, ऐप पे लेक्चर, एक 4-5 लेक्चर्स के बाद मैं ऐप पे ले लूंगी, या सो अप्रोक्स 7-8 करोड़ लोग ही टैक्स पेयर है, 7-8 करोड़, ओ माय गॉड, अच्छा हाँ। अब देखो, या वी हैव वेरी फ्यू टैक्स पेयर्स, वेरी फ्यू टैक्स पेयर्स, लवली स्टैटिस्टिक्स आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट। आप जिस सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, पहले उसकी गहराई समझिए, उसकी स्टैटिस्टिक्स समझिए। हमने हमारे एग्जाम के स्टैटिस्टिक्स समझ के लिए 60-40 वगैरह वगैरह 30 MCQ एंड ऑल दैट स्टफ, नो अबाउट द सब्जेक्ट दैट यू आर स्टडिंग, उसके स्टैट्स के बारे में भी समझ लो। हाँ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, सी ओवर हियर, दिस इज द टैक्स कलेक्शन बाय द वे, एंड दिस इज द नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स। यस, डू यू सी गाइस, टेल मी वन थिंग ना, ये 13-14, 14-15, 16-17, 16-17 एंड 17-18, ये कितना राइज हुआ, दिस इज 7 crores 42 lakhs, दिस इज 7.42 crores से टैक्स पेयर्स एकदम से बढ़ गए 8.45 crores, ओ माई गॉड, 1 crore से टैक्स पेयर्स बढ़ गए, ऐसा क्या हुआ इसमें, 1 crore से टैक्स पेयर्स बढ़ गए, एम आई इन 37 टैक्स दिस, नो आनंद सर इज, थोड़ा थोड़ा लेक्चर बढ़ने दो फिर मैं आपको बताती हूँ आनंद सर के लिए कैसे मैंने खास रेट ऑफ सरचार्ज लगाया है वगैरह वगैरह, ये सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। हाँ, मेरे क्लास के कैरेक्टर्स है कुछ, मैं उनसे इंट्रोड्यूस कराऊंगी। टैक्स में हमारे पास होती है चमेली, इनका जीएसटी में मोटा भाई, राधे, दीज आर आर कैरेक्टर्स, वी हैव अ पिक्चर ऑफ दीज कैरेक्टर्स एंड देन वी डिस्कस देम अबाउट देम विथ यू एंड यू नो, उन्हीं का एग्जाम्पल लेके हम आगे स्टोरी बनाते हैं, तो बहुत स्टोरी के फॉर्म में हम सीखेंगे सब कुछ। वाओ, लवली आंसर, डीमोनेटाइजेशन, करेक्ट, यस, डीमोनेटाइजेशन हुआ गाइस, डीमोनेटाइजेशन में क्या हुआ फिर, डीमोनेटाइजेशन वॉज इट सक्सेसफुल, जो ब्लैक मनी गवर्नमेंट को लग रहा था, व्हाट इज ब्लैक मनी, जिसपे आपने टैक्स नहीं पे किया, आपने टैक्स की चोरी करी तो उसको बोलते हैं ब्लैक मनी, गवर्नमेंट को बताया ही नहीं, हाँ कि मैंने पैसे कमाए, चुपचाप कैश में लेके पॉकेट में रख दिया, अयो टैक्स की चोरी की आपने, यस दैट्स ब्लैक मनी, एंड वॉज डीमोनेटाइजेशन सक्सेसफुल, नो इट वॉज नॉट वेरी सक्सेसफुल, द फैक्ट इज ये सक्सेसफुल नहीं था, हमें जितना लगा कि ब्लैक मनी मिलेगा हमें, लोग अपना ब्लैक मनी डिपॉजिट कर देंगे, गवर्नमेंट को दे देंगे, उस पर टैक्स पे करेंगे, ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ, बट ऑफकोर्स इट वॉज नॉट सक्सेसफुल, बट वन थिंग दैट हैपेंड, पीपल गॉट स्केयर्ड कि अरे ये गवर्नमेंट कुछ भी कर सकती है, कभी भी हमने रिटर्न नहीं भरा है तो वील फाइल द रिटर्न, सो देर वॉज इंक्रीज बाय 1 crore नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स, दैट वॉज अ बिग अमाउंट, ये नंबर अचीव करना बहुत मुश्किल काम था, सो एटलीस्ट द नंबर ऑफ पीपल हु स्टार्टेड पेइंग द फाइलिंग द रिटर्न इंक्रीज बाय अ गुड नंबर ऑफ 1 crore, सो 1 crore से एकदम से टैक्स पेयर्स बढ़ गए, लोग जो हार्डली कुछ इनकम अर्न करते थे, रिटर्न फाइल नहीं करते थे, तो उनको रिटर्न फाइलिंग दे से नहीं नहीं इट्स बेटर यू फाइल द रिटर्न, शो एवरीथिंग, नहीं तो ये कैश कहाँ से आया, नहीं नहीं बाबा आज से अभी सब सीधा करेंगे, रिटर्न फाइल करेंगे, सब अच्छे से करेंगे, सो यस डेफिनेटली रिटर्न फाइलिंग हुआ, नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स इंक्रीज इन दिस ईयर, सो आई ऑलवेज कीप दिस ओनली एज माई स्टैटिस्टिक्स इन द बुक्स, बिकॉज दिस वॉज द ईयर इन विच डीमोनेटाइजेशन टुक प्लेस। मोदी जी आगे और बोले, मित्रों आज से 12 बजे से कुछ नोट्स जो है आपको बताए गए, 500 के नोट अभी
इनवैलिड हो जाएगी, 1000 की नोट इनवैलिड हो जाएगी, तो ऐसे आके उन्होंने आपको बता दिया, राइट? करेक्ट भाइयों और बहनों, कि मित्रों बोलते हैं ना वो लोग, तो मोदी जी तो वैसे बोलते हैं, हाँ इट वॉज सक्सेसफुल फॉर आईटीआर बट नॉट सक्सेसफुल फॉर ब्लैक मनी। अच्छा बाय द वे, आप तो बहुत लकी हो, क्या क्या विटनेस किया आपने इकोनॉमी में इन दिनों में? बहुत कुछ चेंजेस हो रहे हैं, नॉट नेसेसरी इकोनॉमी में, ओवरऑल यू हैव लॉट ऑफ स्टोरीज टू टेल योर चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन, या कि हमने ये देखा, हमारे जमाने में ऐसा हुआ था, क्या क्या स्टोरीज है आपके पास बताने के लिए, आपने क्या क्या विटनेस किया है, कैन यू जस्ट टेल मी? तुम सीए फाउंडेशन स्टूडेंट हो, मैं लेक्चर कैसे देखूं? मतलब जितने दिन यूट्यूब पे, यूट्यूब पे, बाद में एडमिशन लेके ऐप पे देखोगे, मतलब ये क्या सवाल हुआ? या करेक्ट, क्या क्या देखा आपने? यू हैव सीन डीमोनेटाइजेशन, मैं लिखती जा रही हूं, सही आंसर्स आ रहे। उसके बाद क्या देखा आपने? फीस वगैरह क्या होगी मैं कैसे बताऊंगी? एम आई द राइट पर्सन टू टेल यू? गो एंड कॉन्टैक्ट द एसपीसी टीम, ऑफिस होता है वहां पे कॉल करो। 3 साल में सीए बनने वाले हो यार, कम ऑन। कोविड देखा, अनफॉर्चुनेटली कोविड का एंडेमिक हो जाए, खत्म हो जाए एक बार बस, पैंडेमिक देखा। डिड यू सी अबॉलिशन ऑफ आर्टिकल 370? या डिड यू सी GST implementation? I know, online classes. GST implementation देखा आपने? Yeah, you have witnessed GST was implemented when? 1st July 2017 को GST implement हुआ था. Yeah, so we saw implementation of GST. अच्छा, फिलहाल Infosys चर्चा में क्यों है फिलहाल? Do you know? फिलहाल इन्फोसिस, या वेरी सैड, तालिबान एंड एंड ऑफ अफगानिस्तान, वेरी सैड दैट इज। तालिबान वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थिंग। या इनकम टैक्स फिलहाल क्यों, इन्फोसिस फिलहाल क्यों इतनी चर्चा में है? इनकम टैक्स का पोर्टल उन्होंने अभी बनाया, इसके पहले किसने बनाया था ये पोर्टल? TCS ने बनाया था। किसने बनाया था? TCS। TCS का जो इनकम टैक्स का पोर्टल था, सुपर्ब, इट वॉज सुपर्ब। या TCS का जो इनकम टैक्स का पोर्टल था, इट वॉज सुपर्ब। फाइनेंस मिनिस्टर वॉन्टेड टू मेक सम चेंजेस इन दिस, उन्होंने ये प्रोजेक्ट इन्फोसिस को दे दिया। ओ माई गॉड, आई एम फेसिंग सो मेनी प्रॉब्लम्स इन द ऑफिस, सीरियसली वी आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, सीरियसली। हाँ वैसे पता है, इनकम GST का पोर्टल भी इन्फोसिस को ही दिया था, एंड वेरी बैड पोर्टल, वेरी बैड पोर्टल। GST का पोर्टल भी अच्छा नहीं है। जब हम ऑफिस में, मेरे आर्टिकल्स है, मेरा स्टाफ है, हम रिटर्न फाइलिंग करते, बहुत दिक्कतें आती है हमको यार, सीरियसली। बट ठीक है, हाँ ना, गलती हो गई एक्चुअली इन्फोसिस को देख के, सही में है ना। यॉल ऑल्सो, नहीं नया पोर्टल काम नहीं कर रहा है। हाँ राम मंदिर का भी देखा, शुभम बोल रहा है, यस तो राम मंदिर बनने वाला है, राइट? यस, सिटीजनशिप एक्ट देखा है हमने, बिल्कुल सही। इनकम टैक्स पोर्टल, वेरी गुड, आप बिल्कुल सही जा रहे हो और अच्छे से आंसर्स दे रहे हो। सो वी सॉ GST इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट इज इनकम टैक्स पोर्टल? इट इज़ अ इनकम टैक्स वेबसाइट जहाँ पे हम रिटर्न्स फाइलिंग वगैरह सब करते हैं, ओके? जहाँ पे हम रिटर्न फाइलिंग और ये सब करते हैं। आई नो वी गेव 4,500 crores टू इन्फोसिस, गवर्नमेंट ने उनको दिए पैसे पोर्टल को बनाने के लिए, यस। एंड लेट जस्ट होप इट हैपन्स, यू नो, लेट जस्ट होप इट हैपन्स। पासिंग विदाउट एग्जाम्स, ये CMA नहीं बनने वाला है। अच्छा बाय द वे, एक स्टोरी है वो बताती हूँ आपको। देयर इज अ स्मॉल किंगडम, ओके, देयर इज अ स्मॉल किंगडम विच कंसिस्ट ऑफ 2-2.5 lakh पीपल ओनली। छोटा सा एक किंगडम है जहां पे 2-2.5 lakh लोग हैं, सारे एजुकेटेड है, देयर इज नो कास्ट, देर इज नो कास्ट, देर इज नो रिजर्वेशन, कोई कास्ट नहीं, कोई रिलीजन के बेसिस पे बाइफिकेशन नहीं है, रिलीजन के बेसिस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, रादर। सो एक छोटा सा किंगडम है, हाँ, तो 2-2.5 lakh के आसपास लोग हैं, हर कोई यहाँ खुश है, एवरीबडी इज हैप्पी एंड एवरीबडी इज रिच। डू यू वॉन्ट
to be a part of this kingdom? क्या है ये किंगडम और कहाँ है ये किंगडम? डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस किंगडम? या इट इज सी ए, एब्सोल्यूटली एब्सोल्यूटली. एंड डू यू वॉन्ट टू बी अ पार्ट ऑफ इट? डू यू नो दिस इज द ओनली एग्जाम और कोर्स, क्योंकि किसी ने बोला कि एग्जाम दिए बिना पास हो गए, तो बिल्कुल ऐसा नहीं होगा. यहाँ पे एक ऐसा कोर्स है जहां पर रिजर्वेशन नहीं है. इट इज ओनली ऑन योर एबिलिटी एंड इट इज ओनली ऑन योर केपेबिलिटी दैट यू क्लियर दिस एग्जाम. एंड अभी आपने, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला टैक्स पेयर्स कितने हैं, 8 करोड़ के आसपास हमने देखा. अभी बढ़ते ही जा रहे हैं, टैक्स पेयर्स आर गोइंग टू कीप ऑन इंक्रीजिंग. सो नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स 8 करोड़ के आसपास है और सीए कितने हैं उनको केटर करने के लिए? 2.5 लाख, 3 लाख, बस इतने ही है. एब्सोल्यूटली लुक एट द डिमांड दैट वी आर गोइंग टू बी इन. प्रोवाइडेड यू बिकम अ गुड क्वालिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू स्टिक टू एथिक्स, यू हैव टू बी, इंटीग्रिटी होनी चाहिए, एथिक्स हमने फॉलो करने चाहिए, तभी बात बनती है. सिर्फ सीए होने से काम नहीं चलता, यू नीड टू बी गुड ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. लाइफ में मॉरल्स, वैल्यूज, प्रिंसिपल्स रखना बहुत जरूरी होता है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए. राइट, सो दिस इज इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट. ऑलवेज रिस्पेक्ट योर इंस्टीट्यूट, है ना. अब जिस स्कूल से आप क्लियर करते हो, स्कूल के लिए हमेशा फीलिंग होती है, भले ही हम इंस्टीट्यूट पर जाते नहीं है, बट That's our institute. Always respect it. कभी भी उसके लिए कभी बुरा नहीं बोलना. कभी कभी लोग होते हैं जो कुछ भी बोलते हैं, यार institute ने ऐसे कर दिया. Just आजकल YouTube पे बहुत सारे videos आ जाते हैं, कोई भी कुछ भी misguide करने के लिए कभी कभी बोल देता है या अपनी popularity के लिए बोल देता है. कभी नहीं ऐसे करना, खुद सोचना क्या सही है क्या सही नहीं है. Make your own choices. Okay? Yes. So we all are in the process of becoming a part of this fantastic kingdom. So you all are very soon going to become a part of this kingdom, and I'm very proud that I'm a part of this kingdom. Right? Yes. Okay. What is income tax return? Bataungi Bhavna. Movie chalu hai beta. Kya chal raha hai? Movie. Kitne time ki movie hai? Ma'am, 4 mahine ki movie hai. Achha, movie jab 3 ghante ki hoti hai, to 10 minute mein sab kuch samajh mein aata hai kya? Nahi na. Rukna padta hai na. Interval tak to ruko. खुद को टाइम दो, मुझे टाइम दो. नया सब्जेक्ट है आपको पढ़ाना है मुझे. यस, इट्स अ न्यू सब्जेक्ट. डोंट वरी, एवरी डे समथिंग न्यू. ट्रस्ट मी, बिलीव मी, हैव फेथ हियर एंड फॉलो कंप्लीटली द इंस्ट्रक्शंस दैट आई टेल यू एंड सी टू इट दैट यू नो दिस बिकम्स योर फेवरेट सब्जेक्ट. मेरे स्टूडेंट्स का टैक्स का हाइएस्ट इज 95. यस, 95 मार्क्स आउट ऑफ 100. ये हाइएस्ट स्कोर है टैक्स का. Absolutely, many, many students who are rank holders, many, many students who are now teachers, are now, of course, many of my students are now teachers also somewhere, they are teaching. So, aisa hota hai, because I have been teaching for last 19 years, so mere kitne sare students abhi CA ban gaye, kahi job kar rahe, kahi well settled rahe, and it feels so nice to know about them. Yes. Now, let us get going. Chalo, tax ki baat karenge. Okay, so first, ma'am, टैक्स में 2 प्रकार के टैक्स होते हैं, करेक्ट? यस, यू आर द फ्यूचर चार्टर्ड अकाउंटेंट. एब्सोल्यूटली. रुको, मैं एक नोटबुक ऐड करती हूं यहां पे. यस, टैक्स में क्या है? सो यू हैव डायरेक्ट टैक्सेस एंड यू हैव इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके, वैसे मैं लेक्चर अभी 2 घंटे लूंगी. जब पोस्ट रिजल्ट बैच आ जाएगी और बैचेस मर्ज होंगे, दैट टाइम माय लेक्चर ड्यूरेशन विल इंक्रीज फ्रॉम 2 आवर्स टू 3 आवर्स. हाँ, तो अभी से 2 आवर्स हम ले रहे हैं, तो जो लोग अभी से बैच ज्वाइन करेंगे, आपको एक फ्लो और टेम्पो बन जाएगा. जो एकदम से तभी बैच ज्वाइन करेंगे, वो काफी उनको थोड़े दिन लगते सेटल होने में. आप सेटल हो जाओगे. सो इट्स एब्सोल्यूटली करेक्ट डिसीजन टू बीइंग सेटल्ड. एक सेटल हो जाना, पढ़ाई स्टार्ट कर देना, रिविजन करना, तो यू गेट अ बेटर यू नो एडवांटेज इन सच केस. यस, करेक्ट. चलो, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस. ओके ओके, टैक्सेस में करना क्या होता है? बाय द वे, टैक्सेस में यू हैव टू डू 2 थिंग्स. यू हैव टू पे टैक्सेस. यस, फिर हम अभी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स की बात करेंगे. ओके हाँ, कोई भी डरना नहीं, कोई भी घबराना नहीं, मैं हूं. एक एक क्वेरी आपकी सॉल्व हो जाएगी. अरे, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? इसके लिए भी आपको पहले 10 मिनट में नहीं समझा ना. यू हैव टू गिव टाइम. वेट वेट, यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग, डू नॉट वरी. यस, यू हैव टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट.
plus you have to file income tax return. Yes, you have to study tax if you want to be a part of the kingdom. Yes. Come on. So write down, notebook nikalo. Ma'am, hamare paas notes hai. Chupchap notebook nikalo aur likho. My class, my rules. Follow my instructions. Mere classroom mein baithe hote to dekhna fir. Haan. अभी के अभी नोटबुक निकालनी है. नोटबुक के पेजेस को नंबरिंग करना है सब लोगों ने. कम ऑन, स्टार्ट राइटिंग गाइस. टैक्स में आपको दो चीजें करनी है. जस्ट गेट अ पिलो. आई जस्ट कम इन अ बिट. लिखो, चलो जल्दी. तुषार, मजा आ रहा है. वेरी गुड. यस, तो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न. चलो मैं आपको बोलती हूं, अभी आपका फाउंडेशन का एग्जाम आएगा. आप इंस्टीट्यूट को क्या करोगे? आपको इंस्टीट्यूट आईसीआई को क्या करना पड़ता है बताओ तो जरा. यू हैव टू राइट. हा, कीप राइटिंग, कीप राइटिंग. लिखने का मैम नोट्स में सब कुछ है. नहीं, पहले दिन लिखना ही है. आई वॉन्ट यू टू राइट मीन्स राइट. मेरा पहला ही पहले दिन पर डायलॉग नहीं बोलूंगी मैं. मेरा डर जाओगे तुम लोग. हाउ मेनी पेजेस नोट्स रखना है तुम डिसाइड करो. 200 भी रख सकते हो. हाँ, आ गया, करेक्ट बोला. आप जब एग्जाम पास करोगे ना बेटा, मैं एंड में ना लास्ट 5 मिनट में मुझे शेड्यूल बता देना, बताने को रिमाइंड कर देना लेक्चर्स की क्या शेड्यूल है. मैं आपको बता दूंगी पूरा. ओके, नहीं बोलती बाबा, बच्चों ने बदनाम कर रखा है. मैं कहाँ स्ट्रिक्ट टीचर हूँ. और बच्चे तो बोलते हैं कि मैम काट डालेंगी, काट डालूंगी. ऐसा मेरा डायलॉग बना दिया है. हाँ, तो आप एग्जाम्स क्लियर करने के बाद आप क्या करोगे? रजिस्टर करोगे ना. तो सिर्फ रजिस्टर नहीं करोगे, आप दो चीजें करोगे. रजिस्ट्रेशन के टाइम यू विल पे, पेमेंट ऑफ फीस होगी. बरोबर. पेमेंट ऑफ फीस होगी प्लस फॉर्म भरोगे. यू विल फिल अप अ फॉर्म. यहां पे आप डिटेल्स दोगे. बरोबर ना, वैसा ही छे है. मैम पूरा डीटी पढ़ाओगे? मतलब क्या, व्हाट इज दिस क्वेश्चन अरुण? पूरा डीटी पढ़ाओगे ऐसा पूछ रहे तू? ऑफकोर्स डीटी का क्लास है तो पूरा डीटी ही पढ़ाऊंगे ना. हाँ, अस कस. यस, तो यू फिलिंग अप अ फॉर्म टू गिव डिटेल्स. बच्चा है ना, हम फॉर्म भरते हैं, डिटेल्स देते हैं. ओके, राइट. तो प्लीज अंडरस्टैंड, फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न इज अ फॉर्म. हाँ, गवर्नमेंट बोलते हैं सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, कैसा वर्किंग आया, कितना इनकम है, कैसे टैक्स कैलकुलेट किया, इनकम टैक्स एक्ट फॉलो किया कि नहीं, ये जानना है. और इसके लिए रिटर्न भी भरो. रिटर्न इज अ प्री फिल्ड फॉर्म जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया होता है. तो जैसे आप एग्जाम का फॉर्म भरते हो, अरे आईसीआई बोलेगा अच्छा ये हमारे बच्चे ये रजिस्टर किए, तेरा नाम बता, तेरा एड्रेस बता. हाँ, तू ग्रुप वन देगी, ग्रुप टू देगा, फैलाना फैलाना, डिटेल्स चाहिए कि नहीं. तो वैसे ही गवर्नमेंट बोलता है यार तुम टैक्स पे करो, जरा बताओ तो, वर्किंग तो दिखाओ, कितना टैक्स पे कर रहे हो, इनकम कितना आया, खर्चा क्या दिखाया है. यस, सो हु इज द बेस्ट एक्सपर्ट टू फाइल द रिटर्न? चार्टर्ड अकाउंटेंट, राइट? यस. सो प्लीज अंडरस्टैंड, ये एक फॉर्म होता है जो हमें भरना होता है. सो वेन एवर आई हैव टू, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, अगर मेरे पास ऑफिस में क्लाइंट आता है, क्लाइंट है चमेली. मैं आपको चमेली की फोटो दिखाऊं क्या? पता नहीं है कि नहीं मेरे पास. हमारे कैरेक्टर्स हैं मोटा भाई, चमेली और राधे. हाँ, चंपा ये अकाउंट्स की क्लास की कैरेक्टर है और मेरे क्लास की हीरोइन है चमेली. यस, तो प्लीज अंडरस्टैंड, मैं लेके नहीं बैठी हूँ यहाँ पे, नहीं तो होते है. यहाँ पे मेरे फिलहाल मेरे पास एक्ट है जो मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ. ओ माई गॉड, इतना भारी एक्ट है. इनकम टैक्स एक्ट है ये. बस मैम इतना ही होता है एक्ट. ऐसा ही रूल्स होते हैं, ऐसे जितने रूल्स आते हैं, ये एक्ट है, ऐसा रूल्स है. यस, तो दीज आर द रूल एक्ट जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना. हाँ, तो इनकम टैक्स का रिटर्न माने एक फॉर्म होता है जो गवर्नमेंट ने फॉर्मेट बनाया है. गवर्नमेंट को आपसे क्या क्या डेटा चाहिए, तो वो एक फॉर्म फिलअप करने को बोलेंगे आपको, उसको बोलते हैं इनकम टैक्स का रिटर्न.
किसी ने मुझे डाउट पूछा था इनकम टैक्स का रिटर्न क्या है, तो मोटा मोटी समझ में आ गया कि हाँ इनकम टैक्स रिटर्न एक फॉर्म होता है जो हमें गवर्नमेंट को भरना है। कुछ तो समझा भाई? हाँ हाँ समझा। अच्छा कोई क्लाइंट आता है, चमेली आती है, शी वॉक्स इन टू योर ऑफिस एंड सेज आई एम अर्निंग सैलरी, व्हाट एम आई सपोज टू डू? चमेली, यू आर सपोज टू पे टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। यस, बिकॉज यू आर अर्निंग इनकम। हाँ, कितना टैक्स पे करने का है? रुक ना जरा चमेली, हमारी पिक्चर खत्म नहीं हुई है, हमको अभी पूरा टैक्स का पिक्चर कंप्लीट करने का है पीकेडी मैम के साथ। तो हम अभी मैम के साथ पूरा पिक्चर खत्म करेंगे, पिक्चर खत्म करने के बाद तेरी क्वेरी सॉल्व करेंगे सारी। ओके, तो चमेली को हम बताएंगे कि कैसा रिटर्न भरते हैं, कितना टैक्स आएगा, सरचार्ज क्या होता है, सब कुछ हम उसको बताएंगे चमेली को। हाँ, एंड चमेली टैक्सेस का पेमेंट रिच करने का है, बस टैक्स पे करने का है? नहीं रे बाबा चमेली, टैक्स भी पे करने का है, एंड आफ्टर पेइंग द टैक्स यू हैव टू ऑल्सो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। अच्छा, चमेली पूछेगी कौन से रिटर्न है, क्या है रिटर्न, क्या होता है? अरे एक फॉर्म होता है, गवर्नमेंट ने एक फॉर्म बनाया जहां पे तुम्हारी डिटेल्स देनी है, मैं सीए हूं ना, मैं भर के दे दूंगी। और ये फॉर्म कब भरना है? अरे वो पढ़ाऊंगी ना, वो भी हमको पीकेडी मैम सिखाने वाली है फॉर्म्स। ये रिटर्न्स भरने की एक ड्यू डेट होती है, हाँ एक तारीख दी गई है, एक डेट्स दी गई है, तो वो भी हमारे सिलेबस में है। आपके सिलेबस में टैक्स कैसे कैलकुलेट करते वो है, इनकम टैक्स। ओहो, इनकम टैक्स माने जैसे टैक्स ऑन इनकम, तो मैं इनकम के बारे में आपको बताने वाली हूँ। हाँ, ये सब मैं आपको बताने वाली हूँ। ये पिक्चर नहीं, आज ट्रेलर चालू है, सिर्फ ट्रेलर चल रहा है अभी तक, तो मैंने पिक्चर स्टार्ट ही नहीं किया है। हाँ, अभी अपन ट्रेलर पे ही थे अभी तक, समझे क्या? 293 सेक्शंस, देयर आर 298 सेक्शंस, लेकिन ये धोखा हुआ है आपके साथ। कैसे धोखा हुआ है सब बताऊंगी मैं आपको। यस, सो ये लिखा, चलो लिखते क्या आज की तारीख में, आज की तारीख में लिखते क्या, चलो लिखो जल्दी। टैक्स लिखा, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। टैक्सेस में करने का क्या है? चमेली आएगी तो उसको क्या बोलोगे? चमेली को क्या पे करने को बोलोगे? टैक्स पे करने को लगाओगे? हाँ, और रिटर्न भी भरने को लगाओगे चमेली को? यस मैम, लगाएंगे लगाएंगे। आज की तारीख में ये समझ में आ गया, पूरा नहीं समझा, थोड़ा थोड़ा समझा। रुक जा, ट्रेलर ही चल रहा है। यस, पे टैक्स एंड फाइल द रिटर्न्स लिखा। हाँ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट एक्ट आर वी गोइंग टू स्टडी। इनकम, द इनकम टैक्स एक्ट 1961। अरे बाप रे, 1961 में एक्ट बना था। हाँ, इनकम टैक्स एक्ट। वाह अक्षत, शाबाश। इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021, शाबाश, सही जवाब, बिल्कुल सही। इनकम टैक्स एक्ट पढ़ रहे तो मैं आपको ये सब पढ़ाऊंगी, इनकम, फिर टैक्स मंजे, एक्ट मंजे एंड 1961। अयो इतना पुराना है ना, देखो तो। चलो लिखो। हाँ, इट वॉज एनेक्टेड, यस इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। लिखो पहले ऐसा एच, क्या लिखे मैम नोटबुक में, ऐसा एच लिखो, इनकम टैक्स एक्ट 1961, जैसा मैंने लिखा है नोटबुक में लिखते जाने का। हाँ लिखा क्या? इट्स अ टैक्स ऑन इनकम। इनकम इज डिफाइंड इन द एक्ट। आज की तारीख में लिखते क्या फटाफट, कम ऑन गाइस, आर यू ऑल चार्ज्ड अप? सिटिंग स्ट्रेट, स्पाइन कॉर्ड स्ट्रेट, देन एवरीथिंग गोज स्ट्रेट इन टू योर हेड। हाँ, ऐसा साइंस है, देयर इज अ साइंस इन टू इट। जब मम्मी और पापा बोलते हैं ऐसे मत बैठो, ऐसे मत बैठो, सो के मत देखो, वो सही बोलते हैं, समझे? हाँ, इनकम इज डिफाइंड इन द एक्ट, जो मैं आपको पढ़ाऊंगी। Now what is tax? It is derived from Latin word taxo. Taxo. It means rate of tax.
चलो लिखते क्या, लिख रहे हो ना, लिखते जाने मेरे साथ। यस, कम ऑन गाइस, यू राइटिंग नाउ विथ मी एवरीबडी। हाँ, पहला ही दिन है आज। एक्ट क्या होता है? पहले देयर इज अ बिल। हाँ, कोई भी गवर्नमेंट आके कोई भी एक्ट बना सकती है क्या? ऐसे नहीं, अप्रूवल लेना पड़ता है। हाँ, टैक्सो मीन्स रेट ऑफ टैक्स सृष्टि। व्हाट इज योर डाउट इन दिस? क्वेश्चन मार्क क्या है? हाउ कैन आई गेस योर डाउट बेटा? टैक्सो मीन्स रेट ऑफ टैक्स, क्वेश्चन मार्क क्यों डाल रही है? टैक्स होता क्या है वैसे? इट इज अ फी और कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू पे टू द गवर्नमेंट, राइट? या इट इज अ फी और कॉन्ट्रीब्यूशन दैट यू पे टू द गवर्नमेंट। क्यों देते हो तुम गवर्नमेंट को टैक्सेस? गवर्नमेंट बदले में कुछ देती है आपको? वाई डू यू पे सम फी? इट इज अ कंपल्सरी, इट इज मैंडेटरी। हाँ, टैक्स इज मैंडेटरी, यू डोंट हैव अ चॉइस। यस, टैक्स में और एक पॉइंट लिखो, फिर मैं बिल में आती हूँ। टैक्स ये मैंडेटरी होता है, इसमें चॉइस नहीं होता है अपने को, नो चॉइस। यस, टू गो एंड डेवलप। आज हमारी मिलिट्री है, डिफेंस, डिफेंस का खर्चा कहाँ से करते गवर्नमेंट? टैक्स के पैसे से, राइट? हमें डिफेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लुक एट वॉट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड टूडे, राइट? दे प्रोवाइड फ्री एजुकेशन टू नॉट एवरीबडी, इट्स नॉट पॉसिबल गाइज, कम ऑन। हमारी कंट्री का पॉपुलेशन इतना है, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल टू गिव एवरीथिंग फ्री टू पीपल। गवर्नमेंट कंगाल हो जाएगी, कैसे चलेगा? गवर्नमेंट शुड बी स्ट्रांग, दे शुड हैव मनी सो दैट टुमारो एज अ कंट्री वी आर एबल टू फाइट एंड वी कैन स्टे स्ट्रांग, राइट? यस, सो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हॉस्पिटल्स, वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के लिए होते हैं, जो काफी गरीब लोग होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते उनके लिए। वन सेकेंड गाइज, व्हाट हैपेंड? Okay, my son was there and he was asking me, are you going to give a break? So I said, no, I'm not going to give a break because आज तो क्लास 2 घंटे की है। जब 3 घंटे की क्लास होती है तो नॉर्मली मैं 2 घंटा लेके फिर थोड़ा सा ब्रेक देके फिर ये करती हूँ, वापस क्लास लेती हूँ, 10 मिनट का ब्रेक देती हूँ। यस, नॉट लाइक वी आर गिविंग फ्री वैक्सीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स बनाना, मेट्रो बनाना, ब्रिजेस करना, अच्छे रोड्स रखना, आपको हॉस्पिटल, एजुकेशन की फैसिलिटी देना फॉर पुअर पीपल। दिस इज ऑल दैट यू डूइंग विद द टैक्स मनी एंड मेजर पार्ट ऑफ इट गोज इन डिफेंस ऑल्सो। यार, वी नीड टू हैव गुड टेक्नोलॉजी, गुड इक्विपमेंट्स। US इज टेक्नोलॉजी सो अहेड, टेक्नोलॉजिकली सो अहेड ऑफ अस। यस, दे हैव अ सुपर्ब टेक्नोलॉजी बेस्ड सिक्योरिटी है, देयर डिफेंस इज टू गुड, देयर इक्विपमेंट्स अ वेरी गुड। रशिया ऑल्सो हैज गॉट गुड इक्विपमेंट, सो वी ऑल नीड टू हैव ऑल दिस, राइट? नो नो सृष्टि, डोंट से सॉरी। यहाँ पे सॉरी और ये कुछ नहीं बोलना है, मैंने कुछ बोल दिया तो मन पे नहीं लगाना है। इट्स अ इंटरैक्टिव क्लास ना, तो आई हैव टू हैव दैट इंटरैक्शन विथ यू, करेक्ट? प्रार्थना, ये अटेम्प्ट कौन से एग्जाम्स के लिए है ये तुम बताओ? अभी बच्चे ही बता देंगे, मैं तो बहुत बार बोल चुकी हूँ ना। यस, सो ये है अभी एक्ट। आई हैव टू चेंज द एक्ट ना, आई कांट कीप एवरीथिंग सेम। गवर्नमेंट के बजट बदलते हैं, रूल्स बदलने पड़ते हैं, यू कैन नॉट कीप। हम इतना पुराना, तो हर साल हम एक बजट लेके आते हैं, एक बिल लेके आते हैं, राइट? थैंक यू, इट्स फॉर मे एंड नवंबर 22 अटेम्प्ट। थैंक यू फॉर गिविंग द आंसर टू गॉड, ओके? नाउ लेट अस अंडरस्टैंड, बिल प्रेजेंट किया जाता है, इट्स द बजट हर साल ये। यस, बिल आता है,
then it is passed in the House of Parliament. We are a democratic country, so it has to be passed in the both the houses, approved in the both the houses of Parliament. You have Rajya Sabha, you have Lok Sabha, जहाँ पे आप वो दोनों जो भी members होते हैं राज्यसभा लोक सभा के वो अप्रूवल देते हैं, वोटिंग होता है बकायदा. सो वी आर इन टू अ डेमोक्रेटिक कंट्री. कोई भी ऐसे बिल नहीं बना सकता. सो बिल हैज़ टू बी पास्ड इन बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. ये आप लॉ के लेक्चर में भी पढ़ोगे, किसी भी एक्ट में आप ये पढ़ते ही हो. एंड देन इट इज साइंड बाय द प्रेसिडेंट. तब जाके ये बिल एक्ट बनेगा बच्चा. अब ये बिल क्या बनेगा? एक्ट बनेगा. तो पहले बिल होता है, देन ये अप्रूव किया जाता है बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, फिर प्रेसिडेंट जो है वो साइन करेंगे, और उसके बाद ये जो बिल है वो बन जाएगा एक एक्ट. एग्जैक्टली. हमें कौन सा एक्ट एप्लीकेबल है? फाइनेंस एक्ट 2021. तो इनफैक्ट ये मेरे पास जो एक्ट है, इनकम टैक्स एक्ट, आप देख नहीं पाओगे, ये है. इस पे लिखा हुआ क्या है, मैं आप, इट्स सो हैवी. यहां पे लिखा हुआ है इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021. तो मेरी ऑफिस में 2022 का है. बहुत सालों के ऐसे एक्ट्स है मेरे पास, तो हर साल दिस चेंजेस, बिकॉज इनकम टैक्स एक्ट है तो 1961 का, बट हर साल के जो चेंजेस होते हैं थोड़े थोड़े, ऐसा नहीं कि पूरा एक्ट चेंज हो जाता है, सेक्शंस वही है, थोड़े से चेंजेस होते हैं. सो दो चेंजेस गेट इनकॉर्पोरेटेड ओवर हियर. तो आपको वही पढ़ना है जो आपके एग्जाम्स के लिए एप्लीकेबल होता है. सो फाइनेंस एक्ट 2021 बनता है. सो 1961, बट राइट नाउ वी आर स्टडिंग, आर वी स्टडिंग दैट ओल्ड एक्ट? नो, वी आर स्टडिंग इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड व्हाट इज रिटन इन द बिल. वॉट एवर चेंजेस वी वॉन्ट टू मेक, कि हमें टैक्स का रेट बदलना है, हमें डेप्रिसिएशन के रेट चेंज करने हैं, तो दैट जो अमेंडमेंट्स हमें लाने हैं ना, दैट इज रिटन इन द बिल. इनकम टैक्स एक्ट एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2021. सी फाइनल में भी टैक्स है क्या? आई हैव ऑलरेडी आंसर दिस क्वेश्चन. आप लेट ज्वाइन होते हो क्या, कुछ कुछ बच्चे? फिनिश राइटिंग. फाइनल में टैक्स है ऑफकोर्स, ये मैंने बता दिया ना. हाँ, तो अब मैं इनकम टैक्स और इसके बारे में बताऊंगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स के बारे में. डन, ओवरऑल आइडिया आ गया. हाँ, अब सुनो, अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स. चलो अभी इंटरेक्शन चाहिए, मुझे आपसे सुनना है. आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम यू गाइज. कमान एवरीबडी. डायरेक्ट टैक्स, अयो पेन को क्या हो गया? अरे तेरे को क्या हो गया? और इनडायरेक्ट टैक्स, चलो क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स में, क्या फर्क है, आपको क्या पता है इसके बारे में? व्हाट डू यू गाइज नो अबाउट डायरेक्ट टैक्सेस एंड व्हाट डू यू गाइज नो अबाउट इनडायरेक्ट टैक्सेस? कम ऑन, लेट अस अंडरस्टैंड. टैक्सेस दो प्रकार के हैं. पेन ड्राइव लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? कौन सी प्रॉब्लम आएगी? नहीं आएगी, ऑफकोर्स कोई प्रॉब्लम नहीं है. बैटमैन, यू कैन लीव, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस. तुम चैट यूट्यूब पे हमने बुलाया नहीं तुमको कंपल्सरी, तुम क्यों रुके हो? तुम मत आओ फिर यहाँ पे. डोंट स्प्रेड नेगेटिविटी. चलो, डायरेक्ट टैक्स मतलब वी डायरेक्टली पे द टैक्स, एंड इनडायरेक्ट टैक्स मतलब क्या? यस, डायरेक्ट नाम से ही पता चलता है, एब्सोल्युटली. लाइक फ्रॉम इनकम टैक्स वी नो, मैम इट्स अ टैक्स ऑन इनकम, एब्सोल्युटली. अच्छा मैम, मतलब क्या टैक्स ऑन इनकम? अरे ट्रेलर चल रहा है, बोला ना,
पूरा पिक्चर बताऊंगी ना, इनकम क्या होता है, इनकम मंजे क्या होता है, क्या क्या वर्ड्स है, ये सब बताने वाली हूँ. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड डायरेक्ट टैक्सेस डायरेक्टली पेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस इनडायरेक्टली कलेक्टेड. नाउ आई विल गिव यू एन एग्जांपल. ये एक पर्सन है, ओके, ही इज अर्निंग सैलरी. नहीं, आई विल टेक चमेली. चमेली इज अर्निंग सैलरी, शी इज अर्निंग इनकम, सो शी हैज टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट. चमेली को ही गवर्नमेंट को टैक्स देना है. शी विल अर्न इनकम, शी विल गो टू द गवर्नमेंट एंड पे द टैक्स. तो गवर्नमेंट अपना टैक्स डायरेक्टली चमेली से कलेक्ट करेगी, क्योंकि चमेली ही टैक्स अर्न कर रही है. राइट? यस, फर्स्ट आपके पॉइंट्स दे दो. पहले आपके पॉइंट्स बता दो मुझे, फिर मेरा एक्सप्लेनेशन करती हूँ. जिसका इनकम उसका टैक्स, सही है, बिल्कुल सही है. जो इनकम अर्न कर रहा है वही टैक्स पे करेगा, बिल्कुल सही. द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, राइट, ओवर हियर द बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, वेरी गुड. ये मैं एक्सप्लेन करूंगी ना. हाँ, एंड यहाँ पे बर्डन प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन सेम पर्सन. इलीगल इनकम पे भी टैक्स होगा. हाँ, बता रहा है कि पूछ रहा है. यस, वन इज प्रोग्रेसिव, या एंड दिस इज रिग्रेसिव. बताती हूँ, आई विल एक्सप्लेन. दिस इज व्हाट यू आर टेलिंग मी. आप बता रहे हो, अब मैं एक्सप्लेन करूंगी. राइट? भावेश, नो नीड टू वरी. इफ यू हैव टेकन लेक्चर्स एंड यू हैव सीन नवंबर 21, डोंट वरी, अमेंडमेंट लेक्चर्स आ जाएंगे, ज्यादा चेंजेस नहीं है. पहले तो घबराना नहीं और डरना मत. हाँ, वेरी गुड. चलो अब मैं बताती हूँ आपको. वेरी 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 गुड. दिस इज जनरली लेविड ऑन अ पर्सन इनकम. ये जनरली लेवी किया जाता है ऑन सर्विसेज एंड गुड्स. एन एग्जाम्पल्स हम देंगे बाद में. अब मैं बताती हूँ. ओके, योर टाइम अप. तुम्हारा टाइम अप हो गया, चैटिंग बंद करो. हाँ, थोड़ा रूल और डिसिप्लिन फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फ्लो डिस्टर्ब होता है. मैं बताती कुछ हूँ, फिर आपका मैसेज आएगा, फिर मेरा फ्लो. डोंट डू दैट. सबका सबको आंसर मिलेगा, सबके क्वेरीज सॉल्व होंगे. डरने का नहीं, घबराने का नहीं. Nobody's query will be left unsolved. You all are done. Time up. Examples भी आपने दे दिए, सही दे जा रहे हो आप, बिल्कुल सही जा रहे हो. Now stop, stop chatting. अब मेरी बात सुनना. Okay? Yes. Okay. Now pay attention. Here I drew an example of chameli. I've drawn chameli. चमेली इज अर्निंग सैलरी. ध्यान से सुनना, अभी बीच में कोई मैसेज नहीं. मेरे सवालों के जवाब होगे तो उतना ही मैसेज करना है. आपको सवाल नहीं पूछना है अभी. जब पूछना होगा तब मैं बोलूंगी कि हाँ, अब डिफरेंसेस बता दिए, अब डाउट है क्या पूछो, ऐसे मैं एंड में बोलूंगी. फर्स्ट लेट मी कंप्लीट. मुझे चांस दो, मैं सिखा दू, कंप्लीट करूं आपको पहले. हाँ, नाउ लेट अस अंडरस्टैंड. चमेली इज अर्निंग सैलरी, बरोबर? यस मैम. चमेली इज अर्निंग सैलरी, शी इज अर्निंग इनकम. She has to pay tax to the government. ऐसा क्यों? Because ऐसा एक statute और एक act है. Income tax act बोलता है you have to pay taxes on your income. और हम income tax act पढ़ने ही आए हैं. पहले तो समझ लो हम act पढ़ने आए, act सीखने और बनाने नहीं आए. हमें खुद के rules और provisions नहीं बनाने. जो act में है वही हम समझेंगे, सीखेंगे और उसका logic भी समझेंगे. Fine. Now income चमेली को जो है अपनी जेब से टैक्स के पैसे निकाल के देने. चमेली हैज टू पे हर टैक्सेस फ्रॉम हर पॉकेट. यस, दैट द बर्डन. मतलब चमेली विल फील द बर्डन. यार मुझे टैक्स देना है, यार गवर्नमेंट को टैक्स देना है. शी फील्स द पिंच ऑफ इट. यस, सो टू पे द टैक्स इज हर बर्डन. क्योंकि उसको अपनी जेब से पैसे निकाल के देना है, ये चमेली का बर्डन है. प्लस उसको टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. उसको सीए को जाके पकड़ना है, यार आ जाओ मेरा रिटर्न भरो, ऑफिस में जाओ सीए को मिलो, रिटर्न भरो, टैक्सेस पे करो. उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और उसका ही बर्डन है. और ये बर्डन वो किसी पे शिफ्ट नहीं कर सकती. बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड. बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन द सेम पर्सन. यू विल अंडरस्टैंड दिस बेस्ट व्हेन आई गिव यू अनदर एग्जांपल ओवर हियर. देयर इज अ शॉप, ओके, सो यू गो ऑन इन अ शॉप.
और आप यहाँ पे सारे उसकी गुड्स है, तो आप जाते हो कस्टमर है, ओके, सो यू गो देयर एज अ कस्टमर, राइट, सो यू गो हियर एंड द शॉपकीपर विल पे टू द गवर्नमेंट. इस टाइप का यहाँ पे सीन होता है. यहाँ पे होता क्या है, नाउ पे अटेंशन, शॉप में आकाश बीच में नहीं पूछना है, मैम हमें नोट्स अभी मिलेंगे क्या, अभी नहीं, लेक्चर के बाद में जो भी तुम्हारे डाउट है पूछो, बीच में फ्लो ब्रेक नहीं करने का. यस, यू हैव टू फॉलो माई रूल्स, यू हैव टू फॉलो डिसिप्लिन. हर एक का टाइम प्रेशियस है, किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करना है. यहाँ पे अटेंशन एंड स्टे फोकस्ड. नाउ इनडायरेक्ट टैक्स में क्या होता है, आपको कुछ जाके कोलगेट पेस्ट खरीदनी है, आपको जाके एक पेस्ट खरीदना है, कुछ प्रोडक्ट खरीदना है ना, तो गवर्नमेंट, डोंट से सॉरी, आई डोंट मीन टू हर्ट एनीबडी, डोंट से सॉरी, ये सबकी भलाई के लिए, किसी ने भी मेरा कुछ बोले हुए चीज का बुरा नहीं मान के लेना है, ठीक है ना. हाँ, जस्ट डू दैट, फॉलो दैट. एट द एंड यू कैन आस्क मी क्वेश्चंस कि मैम नोट्स कब मिलेंगे, पीडी का क्या है. मैं अभी एक 10 मिनट में खत्म कर दूंगी, 10 मिनट में खत्म करती हूँ. लास्ट 10 मिनट्स आई विल कीप फॉर क्वेरी सॉल्विंग फॉर टुडे. दैट विल नॉट हैपन एवरी टाइम, डिपेंडिंग अपॉन क्या टॉपिक है. मैं आज आपकी जनरल क्वेरीज होती है ना मैम, कि कब बुक्स मिलेंगी, सॉफ्ट कॉपी है क्या, पीडी को कैसे लेक्चर्स आएंगे, तो वो मैं सॉल्व कर दूंगी आपकी. नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, सो एज अ कस्टमर आई गो टू द शॉप, ओके, मुझे पेस्ट खरीदने, तो मैं भैया को बोलूंगी, शॉपकीपर को, भैया मुझे वो पेस्ट दे देना तो जरा. तो ये भैया ने मुझे पेस्ट दे दी, ये पेस्ट मैंने ले ली, जेब से मैंने पैसे दिए. पेस्ट अगर 100 रुपए की है तो शॉपकीपर भैया बोलेगा 100 नहीं देना है, 100+5 देना है. ओहो, आईयो, क्या किया उसने, 100+5 लिया. वाय, क्यों, पेस्ट 100 की है बट वो फिर भी 105 ले लेता है, ऐसा क्यों करता है. यस, वाई डज ही डू सो, कमान एवरीबडी. यस, द शॉपकीपर विल कीप 100 विद हिमसेल्फ एंड ही विल गिव 5 टू द गवर्नमेंट. तो पैसे कैसे जाते हैं, फ्लो ऐसे होता है, टिक. शॉपकीपर, यस, टैक्स इज ऑल्सो एडेड, एब्सोल्यूटली. नाउ गवर्नमेंट चाहती किससे टैक्स कलेक्ट करना है, जेब से किसने दिए पैसे, यहां पे चमेली ने दिए ये 5 रुपए, ये किसने दिए, अपनी जेब से पैसे निकाले किसने, ये 5 रुपए का बर्डन किसके ऊपर है, चमेली के ऊपर है. चमेली ने अपनी जेब से 105 रुपया निकाल के दिया, 5 रुपया अपनी जेब से निकाला, बर्डन उसका है. बट ये पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, शॉपकीपर की है. 5 रुपया शॉपकीपर लेगा एंड शॉपकीपर कस्टमर को देगा. मैम ऐसा क्यों किया है गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट अपना कन्वीनियंस देखती है यहां पे. अरे यार, एक शॉपकीपर के अगर लाखों कस्टमर्स है, हम कहां जाके लाखों कस्टमर्स को पकड़े. इट इज बेटर वी कैच होल्ड ऑफ द शॉपकीपर एंड वी टेल द शॉपकीपर, यार तुम अपना पेस्ट बेच ही रहे हो, यू आर सेलिंग योर प्रोडक्ट, राइट, यू सेलिंग योर प्रोडक्ट, आप आपका प्रोडक्ट बेच रहे हो, उस प्रोडक्ट का प्राइस लो और उसके साथ हमारा टैक्स भी जोड़ दो. एग्जैक्टली, सो यू सेल द प्रोडक्ट फॉर 100, उसके साथ टैक्स के पैसे भी जोड़ दो और हमारा भी कलेक्ट कर दो. आपका जो प्रोडक्ट के पैसे आपके पास रखो, 5 रुपया हमें दे दो. माने बर्डन ऑफ पेइंग दैट 5 रुपीज इज ऑन द कस्टमर, बर्डन ऑफ पेइंग दैट 5 रुपीज इज ऑन द कस्टमर. बट हु इज रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट जाके कस्टमर को पकड़ेगी या शॉपकीपर को पकड़ेगी. गवर्नमेंट शॉपकीपर को बोलेगी, ए शॉपकीपर इधर आ, कितना सेल हुआ, 100 रुपए का ना, हाँ चल 5 रुपया निकाल उसके ऊपर का. सो रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन द शॉपकीपर बट द बर्डन ऑफ पेइंग दैट 5 रुपीज इज ऑन चमेली हु इज द कस्टमर. यस, यहां पे बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आर ऑन डिफरेंट पर्सन, बरोबर. हाँ मैम, अभी एक और सेंटेंस है वो भी जरा अच्छे से समझा दो. अरे सब कुछ समझेगा आपको, एक एक सेंटेंस, एक एक वर्ड, एक एक कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा आपके दिमाग में जाएगा. आपको बिल्कुल घबराना नहीं है, सिर्फ पेशेंस रखना है. यू नो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ पिक्चर का एग्जाम्पल नहीं बता रही हूं कि पिक्चर 3 घंटे की पहले 10 मिनट में समझ में नहीं आती है. वेन एज चिल्ड्रन यू नो वर यू, वेन यू वर 14 ईयर्स और वेन यू वर 12 ईयर्स, क्या आपको बाइक चलाना अलाउड है, अलाउड है क्या, नहीं ना. There's a right age for everything. There's a right time to teach you the concept. I will teach, I know when to teach you what concept. I have that experience. I know कौन सा concept कभी कैसे बताना है. तो just go in the flow of the lecture. जो मैं सिखा रही हूँ concept उस पर focus करो. मैम आगे, अच्छा मेरे को return भरना है. मैम return भरने की due date क्या होती है. मैम मैंने return नहीं भरा तो क्या होगा. अरे ये आगे आने वाला है, जब आगे बता दूंगी वो. Yes.
as you start eating food, a small child starts eating food, we don't feed them biryani all of a sudden, right? You start with dal chawal, then kuch simple khana dete ho, fir wo digest bhi to hona chahiye na bacche ko. To waise ye tumhare liye tax naya subject hai, utna hi sikhaungi aur dheere dheere badhaungi, so that you are able to digest what I teach you. I have to go in a particular flow. Yes, so follow that flow, step by step जाना है, बिल्कुल सही. मैम अभी ये बता दो, आपने ऐसा क्यों बोला कि ये burden can be shifted? यहाँ देखो मैम, burden cannot be shifted. अच्छा ये किधर लिखा है? Direct tax. तो can in indirect ऐसे burden can be shifted? Yes, you can say. Oh मैम, burden can be shifted मंजे का है? मंजे का है? मराठी में बोलते हैं, मतलब क्या? Burden can be shifted. Yes, it can be shifted. तो इसका meaning क्या है? अरे यार, एक दिन है ना जो शॉपकीपर है उसको वैक्सीन लगाने जाना था. हाँ, तो वो जो है वैक्सीन लगाने चला गया. अपने दोस्त को बोला, अरे प्लीज आज एक दिन दुकान संभाल. होता है ठीक है मैं संभालता हूँ. हाँ, सो वो दुकान संभालता है, वो बैठ जाता है दोस्त. उस दिन आती है चमेली. ये दोस्त जो है ये भूल भी जाता है चमेली को, बस देखते रहता है चमेली आपको क्या चाहिए. अच्छा पेस्ट चाहिए, ये लो पेस्ट ले लो. क्या प्राइस है? 100 रुपया. वो भूल गया 5 रुपया लेना. वो चमेली से 5 रुपया लेना भूल गया. उसको दोस्त बता के जाता है फिर भी वो भूल गया, है ना. जनरली प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, एमआरपी होती है. एमआरपी इज द प्राइस ऑलरेडी प्रिंटेड, उसमें टैक्सेस होते हैं. जनरली ऐसा नहीं होता है, बट सुनो आप मैं क्या बोल रही हूं. सो पहले मैं क्या समझाना चाहती हूं, उस पॉइंट पे फोकस करो. तो चमेली जाती है पेस्ट लेने, इस जो शॉपकीपर का दोस्त है इसने सिर्फ 100 रुपए लिए. 100 रुपए लिए, चमेली को पेस्ट दे दी, चमेली गायब चली गई. शॉपकीपर आने के बाद वो बोलता है कि 100 रुपए लिया. अरे तू चमेली से टैक्स लेना भूल गया? हाँ यार भूल गया. अयो चल ठीक है, अगली बार से ऐसी गलती मत करना. अब क्या होगा? अब तुम गवर्नमेंट आएगी तुम्हारे पास, गवर्नमेंट को तुम भी बोलोगे, अरे यार मैंने ना टैक्स नहीं कलेक्ट किया, अब मैं नहीं पे करता. तुम हाथ ऊपर नहीं उठा सकते. यू कैनॉट टेल द गवर्नमेंट दैट आई फॉरगॉट टू कलेक्ट द टैक्स. यू कैनॉट टेल द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट सेज यू आर रिस्पॉन्सिबल टू पे द टैक्सेस. वी गेव यू ऑप्शन टू शिफ्ट द बर्डन. वी गेव यू ऑप्शन कि आप ये 5 रुपए चमेली से ले सकते हो, लेकिन आप लेना भूल गए, हमें मत बताना. आप अपनी जेब से 5 रुपए दो, हमें हमारा टैक्स चाहिए, मतलब चाहिए. यू हैड अ ऑप्शन टू कलेक्ट इट फ्रॉम चमेली. यू कुड शिफ्ट द बर्डन टू चमेली. या यू कुड शिफ्ट द बर्डन टू चमेली. यस लीगली इट्स नॉट रॉन्ग, इट इज नथिंग इज रॉन्ग, बिकॉज लॉ के हिसाब से लीगली आई एम अलाउड टू कलेक्ट द टैक्सेस फ्रॉम यू. अ शॉपकीपर इज अलाउड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर. सो 100 + 105 लेके 5 चमेली से लिया, गवर्नमेंट को दिया. बर्डन किसके ऊपर आया? 5 रुपए का चमेली के ऊपर. क्या शॉपकीपर ने बर्डन शिफ्ट किया? ऑफकोर्स किया. गिवन अ चॉइस आई वुड ऑलवेज वॉन्ट टू शिफ्ट द बर्डन. मैं क्यों पे करूं मेरी जेब से यार, मेरा नुकसान हो जाएगा, मैं क्यों पे करूं? गिवन अ चॉइस आई विल ऑलवेज शिफ्ट द बर्डन. बट उस दिन मेरा वैक्सीन था, वैक्सीनेशन था, मैंने दोस्त को बिठाया, दोस्त भूल गया, उसने 100 रुपया लिया, है ना. तो उसने 100 रुपया लिया, गवर्नमेंट तो अभी बोलेगी नहीं नहीं, यू आर रिस्पॉन्सिबल, वी गेव यू द ऑप्शन टू शिफ्ट द बर्डन. यू डिड नॉट शिफ्ट, पे फ्रॉम योर पॉकेट. नाउ द बर्डन हैज कम ऑन द शॉपकीपर. किसकी गलती की वजह से? दोस्त की गलती की वजह से 5 रुपए का बर्डन आज किस पे आ गया? शॉपकीपर पे आ गया. दिस इज एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड. माने चमेली के ऊपर, अगर चमेली से नहीं कलेक्ट किया, चमेली रेगुलर कस्टमर, बोलते क्या यार कभी तो डिस्काउंट दे दिया करो. हाँ चल दे दिया इस बार डिस्काउंट. तो यू हैव अग्रीड टू पे द टैक्स फ्रॉम योर पॉकेट. सो शॉपकीपर कैन शिफ्ट द बर्डन ऑन द कस्टमर. And if it doesn't collect from the customer for whatever reason, he voluntarily gives discount, भूल जाता है, जो भी है, he will have to pay to the government from his pocket. So he can shift the customer. Okay? Yes. Given a choice, आप क्या करोगे? कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? I will shift the burden ना on the customer. Yes, I will obviously shift the burden on the customer. Correct? हाँ. समझा? बर्डन शिफ्टिंग वाला समझा क्या? इस एग्जाम्पल में जब चमेली इज अर्निंग सैलरी, उसी का बर्डन है, उसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. बट शॉपकीपर क्या करता है?
शॉपकीपर हैज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि गवर्नमेंट मुझसे हिसाब किताब मांगेगी. हाँ, ये जवाबदारी मेरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी. आई हैव टू गिव ऑल द वर्किंग एंड द मनी टू द गवर्नमेंट. आई एम लीगली अलाउड टू कलेक्ट इट फ्रॉम द कस्टमर. यस, सो आई कैन शिफ्ट द बर्डन. बर्डन कैन बी शिफ्टेड. आई कैन से लाइक दिस, बर्डन कैन बी शिफ्टेड. इसका सेंटेंस का मीनिंग बताओ. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. क्या क्या क्या, फिर से सुनो. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड. फॉरवर्ड मतलब किसके ऊपर, फॉरवर्ड किया तो किसके ऊपर बर्डन शिफ्ट किया. चमेली. एंड बैकवर्ड मंजे, बैकवर्ड मंजे किसके ऊपर, एक बार फॉरवर्ड, फॉरवर्ड कस्टमर ने नहीं पे किया फॉर वॉट एवर रीजन, देन शॉपकीपर. शाबाश. क्या बोलते हैं, एवरीबडी रिपीट दिस, रिपीट दिस लाउड एंड क्लियर. घर पे जोर जोर से चिल्लाओ, पेरेंट्स को समझने दो क्या चल रही है, पढ़ाई चल रही है. यस yes, बोलो. इन इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. चलो दो बार, बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. वेरी गुड. बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एज वेल एज बैकवर्ड. बर्डन रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके ऊपर किसी को डाउट है क्या, होगा तो पूछना, डाउट नहीं है तो नो 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 करके बहुत सारे मैसेजेस मत भेजो, है ना. हम प्रोफेशनल्स हैं, मुझे भी ऐसा फील आना चाहिए. क्या फील आना चाहिए, मैं CA के स्टूडेंट्स को पढ़ा रही हूँ. हाँ, ये कोई नॉर्मल क्लास नहीं है जहाँ 10th स्टैंडर्ड की पढ़ाई हो रही है, नॉर्मल BCOM के क्लासेस चल रहे हैं. कैसे बच्चे हैं मेरे, सारे स्मार्ट बच्चे हैं मेरे, है कि नहीं. हाँ चलो, डाउट है तो पूछो. डाउट है नो. एक आध दो बच्चों ने नो बोल दिया तो अच्छा है, मेरे को समझ में भी आता है, यार यू ऑल आर विथ मी, है ना. डन. प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव बताती हूँ, इतना करके मैं स्टॉप करूंगी. अरे सब समझ में आ जाएगा, जस्ट हैव पेशेंस. राइट टाइम पे राइट चीजें सीखो, सब आएगा तुमको. किंजल, ये लिखा हुआ है नोट्स में, मैंने लिखने का टाइम इसलिए नहीं दिखा दिया बिकॉज ये लिखा हुआ है बेटा, नोट्स में है, इट्स देयर इन द नोट्स. अब सुनो ना, प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव. प्रोग्रेसिव क्या होता है, प्रोग्रेसिव क्या होता है, वॉट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव बच्चा. मैं प्रोग्रेसिव रिग्रेसिव और ये इतना पॉइंट करके आई विल स्टॉप, देन आई विल एंटरटेन योर क्वेरीज रिगार्डिंग PD, GD, लेक्चर्स, बुक्स, जो भी आपको डाउट्स है आप पूछ सकते हो मुझे. एंजॉइंग द लेक्चर, ग्रेट. इलीगल इनकम पे टैक्स होगा हर्षित, हाँ होता है, होता है बेटा, होता है. कल के लेक्चर में ये कवर होने वाला है. मैं बोलती हूँ ना आगे के चीजें, रुक जाओ जरा, रुक जाओ. यस, इंक्रीज इन इनकम, इंक्रीज इन टैक्स. इको में पढ़ा है, इकोनॉमिक्स में, देयर इज अ गैप बिटवीन द हैव्स एंड द हैव नॉट. रिच पीपल आर सुपर रिच, पुअर पीपल आर वेरी पुअर. इन दोनों के बीच की गैप इतनी ज्यादा है एंड दैट्स अनफॉर्चुनेट. सो वी वॉन्ट टू डिक्रीज दिस गैप. तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं यार जो अमीर है उन पे ज्यादा टैक्स लगाओ. हाँ, तो जैसे आनंद सर है उनके ऊपर हम ज्यादा सरचार्ज लगाते हैं. मैं वो एग्जांपल सिखाने वाली हूँ कि कैसे ज्यादा टैक्स लगता है, तो वो मैं कल आपको कवर करूंगी तब बता दूंगी. सो देयर इज इंक्रीज इन टैक्स, देयर इज इंक्रीज इनकम. जैसे बढ़ता है टैक्स का रेट भी बढ़ता है. चमेली की सैलरी बढ़ेगी तो उसको गवर्नमेंट को टैक्स भी ज्यादा देना पड़ेगा. प्रोग्रेसिव, एज योर इनकम इंक्रीजेस योर टैक्स वुड ऑल्सो इंक्रीज. मैम इसका क्या एग्जाम्पल है, इसका एग्जाम्पल जब हम कल टैक्स रेट वगैरह पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा. अच्छा, इज दैट पॉसिबल इन रिग्रेसिव, इज दैट पॉसिबल इन रिग्रेसिव नेचर. आनंद सर पे 75% टैक्स लगता है. हाँ, आनंद सर के लिए एक स्पेशल टैक्स रेट बनाया है. ठीक है चलो. नाउ रिग्रेसिव इन नेचर क्या होता है, आई टेल यू. मुकेश अंबानी गोज टू बाय पेस्ट.
मुकेश अंबानी, इंडियाज रिचेस्ट मैन नो, ही गोज टू बाय पेस्ट. चमेली, शी ऑल्सो गोज टू बाय पेस्ट. मुकेश अंबानी पेस्ट खरीदने जाते हैं, चमेली भी दुकान में पेस्ट खरीदने जाती है. ओके, ऑफकोर्स मुकेश अंबानी खुद नहीं जाते, उनके घर पे स्टाफ मैनेजर होता है, वो देखता है घर पे क्या ख़त्म है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं है, ये है क्या, वो नहीं है क्या. तो हाँ, मुकेश अंबानी पेस्ट नहीं, कोलगेट कंपनी खरीद लेंगे. एब्सोल्युटली राइट. जाने दो, हर चीज़ें नहीं खरीद सकते वो. हाँ, सारी कंपनीज नहीं खरीदनी चाहिए उन्होंने, बट एनीवेज. सो मुकेश अंबानी, मैं उनके भी एग्जांपल्स देने वाली हूँ कल, कि हाउ मच डिविडेंड ही अर्न्ड और हाउ मच सैलरी ही गॉट इन अ पर्टिकुलर ईयर. आई हैव अ पीपीटी विच आई एम गोइंग टू शो विथ यू टुमारो. तो फन टाइम वी आर गोइंग टू हैव इवन टुमारो. कल का लेक्चर और भी मज़ेदार होने वाला है, और भी चीज़ें बता के. कल मैं टैक्स रेट्स वगैरह भी पढ़ाऊंगी, तो हम टैक्स कैलकुलेशंस करेंगे. या सॉलिड फन वी आर गोइंग टू हैव टुमारो. So understand exactly. So when Mukesh Ambani goes to buy this paste, he will pay 100 plus 5. And Chameli, we all common people, when we go to buy the paste, for us also it is 100 plus 5 rupees. Yes, the shopkeeper is not going to sit there and say, yaar, Mukesh Ambani ka driver aaya, uska manager aaya paste kharidne ke liye. Aray yaar, ye zyada income earn karta hai. Ye is pe na paste pe na 200 rupees lenge aur tax bhi bada lenge. Haan, paste ka 100 aur tax isse zyada tax lo, 10 rupees tax le lo. नो, द शॉपकीपर सेज, मैं कहाँ बैठ के हर कस्टमर को पूछूं तुम कितना कमा रहे हो, चमेली तू कितना कमा रही है. आई कांट डू दैट. सो दे कैन नॉट बी प्रोग्रेसिव इन नेचर. तुम उनका नेचर ही समझो ना कैसा है. शॉपकीपर पागल हो जाएगा, हर एक को कहाँ पूछेगा, अच्छा यू अर्निंग मोर, यू अर्निंग लेस, तुम्हारे लिए टैक्स का रेट कम है, तुम ज्यादा अर्न कर रहे हो, तेरे लिए टैक्स का रेट ज्यादा है. अयो, दिस इज जस्ट नॉट पॉसिबल. हाँ, नेचर ऑफ टैक्सेस ओनली लाइक दैट, दे कांट बी प्रोग्रेसिव, दे आर रिग्रेसिव इन नेचर. प्रोग्रेसिव का ऑपोजिट है रिग्रेसिव. हाँ, बट कैन यू थिंक ऑफ सम सोल्यूशन. इसका एक ड्रॉबैक तो है पक्का कि ये कैन नॉट बी प्रोग्रेसिव, बट कैन द गवर्नमेंट डू समथिंग एल्स, कुछ और रेमेडी हो सकती है, कुछ सोच सकते हो तुम कि टैक्स लगाते वक्त गवर्नमेंट ने क्या ध्यान देना चाहिए, क्या सोचना चाहिए. तुम सोचो, तुम्हारा एनालिटिकल स्किल्स बढ़ाना है मुझे, मुझे आपसे जवाब चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं करना है मुझे. ओके, कम ऑन, कैन यू टेल मी. यस मिनी डोरा, वेरी गुड वेरी गुड. ऐश्वर्या, सिद्धार्थ, यस महंगी चीज ज्यादा टैक्स, नेसेसिटी गुड्स लग्जरी गुड्स, फैंटास्टिक, वाओ, यू ऑल आर सुपर्ब. बिल्कुल सही, कि जो नेसेसिटीज है उस पर आप कम टैक्स लगाओ, है ना. लेकिन जैसे एसी है या लग्जरी कार्स है, जो लग्जरी प्रोडक्ट्स है जो गरीबों को नहीं चाहिए, कॉमन मैन मे नॉट रिक्वायर इट, मे नॉट बाय इट, जरूरत नहीं, वो नेसेसिटी नहीं है. दवाइयां है, खाने की चीजें है, ये नेसेसिटीज है, इन पे टैक्स का रेट कम लगा. जो लग्जरीज है, मेकअप किट है, इम्पोर्टेड मेकअप किट है, वी डोंट, यू कैन कीप इट एक्सपेंसिव, यू कैन पुट मोर टैक्सेस ऑन दैट. सो गवर्नमेंट कैन डेफिनेटली डू समथिंग फॉर द हैव्स एंड द हैव नॉट. दे कैन डेफिनेटली से नेसेसिटीज को टैक्स का रेट कम लगाओ, लग्जरीज पे टैक्स का रेट ज्यादा लगाओ. यस, एब्सोल्युटली राइट. सो लेट्स जस्ट सम अप दिस इनकम और सर्विसेज के बारे में, ये कल बताती हूँ. पहले मैं यहाँ पे सम अप करती हूँ, क्योंकि मुझे फिर दिस आई विल टीच यू टुमारो, है ना. आई डोंट वॉन्ट टू रश टूडे एंड आई वॉन्ट टू डू योर क्वेरी सॉल्विंग. कुछ कुछ बेसिक क्वेरी सॉल्विंग होती है, वो कर लेती हूँ पहले मैं. यस, सो लेट जस्ट सम अप. मैंने क्या पढ़ाया आपको आज के लेक्चर में, मैंने बोला कि इनकम टैक्स में कितने टैक्स पेयर्स है, कंट्री का पॉपुलेशन क्या है, टैक्स एक टैक्सो वर्ड से डिराइव किया गया है. नो बडी इज गोना आस्क दिस क्वेश्चन, वी आर इन इंटरमीडिएट, दिस इज नॉट फाउंडेशन और दिस इज नॉट बी कॉम, वे दे गोना आस्क यू टैक्स इज डिराइव फ्रॉम वॉट वर्ड. नो, दे नॉट गोना आस्क यू दिस क्वेश्चन, दिस इज जस्ट फॉर जनरल नॉलेज. दे गोना आस्क यू मच मच बेटर एंड हाई लेवल के क्वेश्चन, बट वी आर प्रिपेयरिंग फॉर दैट. ओके, वी आर प्रिपेयरिंग आवरसेल्फ फॉर दैट. यस, इनडायरेक्ट टैक्सेस, अगर किसी को लिखना था ये तो लिख सकते हो, अगर नोट्स नहीं है तो यू कैन जस्ट राइट इट डाउन. क्लासेस का शेड्यूल भी बोलूंगी, आई रिमेंबर दैट, आई विल टेल यू दैट. यस, सो टैक्सेस दो टाइप के हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. तो अभी मैंने जस्ट ब्रीफ दिया आपको उसके बारे में, फिर मैंने आपको बताया एक बर्डन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ही पर्सन पे जब चमेली सैलरी अर्न कर रही है, बट वही जब आप शॉपकीपर से स्टेशनरी या गुड्स लेने जाते हो, सबके लिए प्राइस इज द सेम, बट जेब से पैसे निकालना कस्टमर का काम है, वो टैक्स के पैसे भी निकाल के दे देता है.
सो एंड शॉपकीपर के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, गवर्नमेंट जाके उससे हिसाब किताब मांगेगी, गवर्नमेंट शॉपकीपर के पास जाएगी. यस. अभी टेलीग्राम चैनल नहीं है क्वेरी के लिए, लाइव लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा है तो अभी क्वेरी पूछ ले डायरेक्टली. हाँ. प्रोग्रेसिव एंड रिग्रेसिव इन नेचर. बर्डन डायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड, इनडायरेक्ट टैक्सेस में बर्डन कैन बी शिफ्टेड फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, आइदर ऑन द कस्टमर और ऑन द शॉपकीपर. एब्सोल्यूटली. इनकम और सर्विसेज और गुड्स, ये मैं कल बताऊंगी, इसके एग्जाम्पल्स भी मैं कल बताऊंगी. आई टोल्ड यू इनकम टैक्स 1961. सो इनकम इज अ इट्स इनकम टैक्स बेसिकली इज अ टैक्स ऑन इनकम, नाम से ही पता चल रहा है मैम, ऑब्वियसली इनकम टैक्स, सो इट्स अ टैक्स ऑन इनकम. सो मैम हमें इनकम पे फोकस करना है. एग्जैक्टली. ये मैं कल करूंगी. सो आई एम गोइंग टू फोकस अ लिटिल मोर ऑन इनकम. आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट विद इनकम टैक्स एंड देन वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद जीएसटी. ओके. सो इनकम टैक्स एक्ट 1961. तो क्या मैं इतना पुराना टैक्स पढ़ा रही हूँ? बिल्कुल नहीं, नॉट एट ऑल. मैं आपको इनकम टैक्स की हिस्ट्री भी कल बताऊंगी. एंड इनकम टैक्स की हिस्ट्री में कल मैं आपको रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका पिक्चर जो आपने देखी होगी, या मंगल पांडे, इनसे रिलेटेड है इनकम टैक्स का इंट्रोडक्शन. इनकम टैक्स मैम कब से आया? ब्रिटिशर्स इंट्रोड्यूस इनकम टैक्स एंड दैट वॉज ड्यू टू रानी लक्ष्मीबाई एंड मंगल पांडे, इनका रिवोल्ट हुआ था. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक फैक्ट है जो मैं आपको कल बताऊंगी, है ना. सो दिस आई एम गोइंग टू टेल यू टुमारोज क्लास की क्यों इनकम टैक्स लाया गया, सबसे पहले एक्ट कब आया, फिर 1961 में आया. क्या हम इतना पुराना एक्ट पढ़ रहे? नहीं नहीं मैम, हम तो अभी लेटेस्ट फाइनेंस एक्ट 2021 पढ़ रहे. मैं जो लेक्चर्स पढ़ा रही हूँ वो आपके कौन से अटेम्प्ट के लिए है? May 22 एंड November 22. राइट. मैंने पेपर पैटर्न वगैरह ये सब डिस्कस किया. सो आई विल स्टॉप हियर. 5 मिनट्स फॉर क्वेरी सॉल्विंग. मैं आपको आपका शेड्यूल दे देती हूँ. यस. सो 5 मिनट्स आई जस्ट डू क्वेरी सॉल्विंग. आप पूछ सकते हो आपके जो डाउट्स है. एक सेकेंड ना, पहले मैं आपको शेड्यूल दे देती हूँ. 9:30 to 11:30 यू विल बी हैविंग टैक्स. फर्स्ट फ्यू लेक्चर्स आई एम गोइंग टू टेक 4 or 5 लेक्चर्स ऑन यूट्यूब. देन यू गोइंग टू हैव कॉस्टिंग 12 to 1. मेरे शेड्यूल के बाद मैं आपके डाउट्स देखूंगी. फिर आपका लंच ब्रेक है. सो 1 to 2 इज योर लंच ब्रेक. सोना नहीं है आपको. देन अकाउंट्स है 2 to 3 एंड देर इज लॉ 3:30 to 4:30. दिस इज योर शेड्यूल. ओके. यस. नाउ लिसन, लेट मी कम बैक टू यूट्यूब. हाँ. नाउ यू कैन आस्क मी योर क्वेरीज. We will shift to the app when we will tell you one day in advance. Mostly for tax, I will take 5 days on YouTube. On YouTube, okay. I will be taking lectures from Monday to Thursday. Friday, this Friday, because it is Ganesh Chaturthi hai, Ganpati festival hai mere ghar pe. It's a very big festival for us here at my home. So tax ko holiday ho gayi. Please note, it's a holiday only for tax class. अदर क्लासेस को हॉलीडे है कि नहीं ये आप रिस्पेक्टिव टीचर से बाद में पूछ लेना. यस मैम. पेनड्राइव में जीएसटी का क्या? ओके. नहीं, रिजल्ट तक ये नहीं चलेगा, ओनली 5 डेज यूट्यूब पे चलेगा. सो ये लेक्चर सिर्फ 5 ही दिन यूट्यूब पे चलेगा. मैम प्रेस्टीज पॉइंट पे क्लासेस होंगी क्या फेस टू फेस? एज ऑफ नाउ नो. रिजल्ट के बाद की सिचुएशन हम देख के रिजल्ट के बाद वाली बैच को हम फेस टू फेस कर सकते हैं. तो रिजल्ट के बाद फेस टू फेस हो सकता है, फिलहाल फेस टू फेस नहीं है. क्या रिजल्ट आने तक यूट्यूब पर लेक्चर्स चलेंगे? नो. 5 ही दिन चलेंगे, दैट्स इट. इफ आईटी पेयर्स आर लेस देन 8 crores, एंड हाउ कम वी आर प्लानिंग आर इकोनॉमी टू हिट 5 trillion? व्हाई नॉट? प्रथम द अमाउंट ऑफ टैक्सेस दैट दे पेइंग इज ह्यूज. ऑफकोर्स द टैक्सेस दैट दे पेइंग इज ह्यूज, डोंट वरी अबाउट इट. मैम दिस टाइम ड्यू टू लेस टाइम शुड वी प्लान वन और बोथ? नो, यू शुड प्लान फॉर बोथ. Try for both. You could get a little timing batch. Maybe exam may नहीं, थोड़ा सा आगे जा सकता है, जून वगैरह 15-20 दिन का आपको रिलीफ मिल सकता है. तो नहीं आगे जाना है, इसीलिए आपको बैच जल्दी स्टार्ट करना है. सो माई सजेशन वुड बी प्लीज ज्वाइन द बैच अर्ली, बिकॉज देन वी गेट अ क्विक स्टार्ट. इन फैक्ट प्लीज, है ना मैम. क्या लाइव स्ट्रीमिंग के बाद दोबारा लेक्चर देख सकते हैं? येस, लाइव स्ट्रीमिंग के बाद यू गेट अ बैकअप. आपको बैकअप दिया जाता है. बैकअप इज प्रोवाइडेड ऑन SPC प्लेयर, जो ऐप होता है. द बैकअप इज देयर गिवन टू यू टिल द एग्जाम.
तो एग्ज़ाम तक ये बैकअप होता है, आप ऑफकोर्स इसको देख सकते हो. मैम डज रेगुलर कॉलेज बी कॉम प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल? नो, दैट्स योर चॉइस रिया. इट्स योर पर्सनल चॉइस, इट्स नॉट दैट इम्पॉर्टेंट. डू वी पे फॉर ज्वाइनिंग क्लासेज अनुषा? येस. सीए फाउंडेशन रिजल्ट टेंटेटिव दे सेइंग 20th सितंबर के आसपास. एग्जैक्ट डेट इज नॉट नोन, आईसीएआई हैज टू टेल अस. यस, आफ्टर द ब्रेक ऑल क्लासेस विल बी फॉर 2 आवर्स एंड टैक्स विल बी फॉर 3 आवर्स, और टैक्स 3 आवर्स का लिए होगा. फी फॉर सीए इंटर प्लीज कॉन्टैक्ट द एसपीसी ऑफिस. गो ऑन द वेबसाइट, ask for a call back, you will get a call back. Go on the website, contact, get the numbers and contact them. Okay, that's not my you have to contact the office for that. Schedule for everyone is going to be the same. Schedule is same for direct or indirect entry. Direct. Kahoot app kya hai? Rishikesh, you don't have to download this app or nothing. Jab main online test lungi tab bata dungi. It's not a different app. पेन ड्राइव और गूगल ड्राइव में क्या होता है? पीडी में वी कॉपी द लेक्चर्स एंड सेंड. हम लेक्चर्स कॉपी करके देते हैं. गूगल ड्राइव पे दे आर अपलोडेड ऑन अ ड्राइव, सो यू एक्सेस इट देयर ऑन क्लाउड. यहां पे ये लेक्चर्स डाउनलोड करने के लिए आपका इंटरनेट यूज होता है. हियर नो इंटरनेट इज यूज्ड. यू नीड इंटरनेट कनेक्शन ओनली फॉर वॉचिंग इट, एक बार पासवर्ड डालने के लिए, बट आफ्टर दैट देन नो इंटरनेट इज यूज. गुड, यू सीइंग फ्रॉम मुंबई, दैट्स नाइस. इफ यू स्टार्ट फेस टू फेस वी विल अपडेट यू. अगर होगा तो हम बता देंगे, अब भी एज ऑफ नाउ देयर इज नो क्लैरिटी. सागर, डियर मैम, आई क्लियर ग्रुप 1, आई गॉट 67 इन टैक्सेशन. वाओ, थैंक यू बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशंस. ग्रुप 1 एडमिशन के लिए बोथ ग्रुप्स के एडमिशन लेना जरूरी नहीं है, यू कैन जस्ट स्टे विद ग्रुप 1. ग्रुप 2 के क्लासेज एज ऑफ नाउ देयर इज नो अनाउंसमेंट फॉर दैट. ओके, प्रथम फ्रॉम कर्नाटक, ओके ग्रेट. सो आई थिंक आई हैव आंसर्ड ऑल योर क्वेरीज. पीडी में कुछ लेक्चर्स होने पड़ते हैं, अराउंड 20-25 लेक्चर्स हो गए, देन वी विल डिस्पैच द फर्स्ट पीडी, देन वी हैव टू वेट फॉर द फर्दर लेक्चर्स एंड देन विल डिस्पैच द नेक्स्ट पीडी. सो पेन ड्राइव एंड गूगल ड्राइव, दैट इज वाई जीएसटी जून एंड वाले जो लेक्चर्स है वो बिल्कुल May 22 के लिए भी है. हार्डली एनी चेंजेस हैपन इन जीएसटी, सो यू कैन वॉच दोज लेक्चर्स एंड इनकम टैक्स. दीज न्यू लेक्चर्स विल बी देयर फॉर यू. Because good, you are in Pune only, but let the face-to-face start, then we'll start. Tax classes take around 3 months to DT for DT and then 1 month of GST. Okay. SPC app pe video views full hote, aap dekh sakte. Swajal from UP, great. Done. So I think I've answered all your queries now. ओके, आकाश इज फ्रॉम सोलापुर. या ऑनलाइन विल ऑलवेज बी देयर, डोंट वरी कि मैम फेस टू फेस स्टार्ट हो जाएगा तो क्या हम फेस टू फेस लेंगे तो उसी का ही लाइव स्ट्रीमिंग करेंगे. डोंट वरी अबाउट इट, लाइव स्ट्रीमिंग विल ऑलवेज कंटिन्यू. यस, डोंट वरी अबाउट इट साहिल, एब्सोल्युटली. हाय अस्मिता फ्रॉम गोवा, राधिका बाय, झारखंड से है कोई बच्चे, लवली. गोकुल फ्रॉम केरला, स्मिता. ओ, वी हैव देवेंद्र फ्रॉम नेपाल, आकाश बाय, यस. पार्थिव फ्रॉम गुजरात. रिविजन, इज रिविजन क्लासेस अवेलेबल इन योर पेन ड्राइव? नो, रिविजन इज नॉर्मली अवेलेबल ऑन यूट्यूब फ्री फॉर ऑल. अंशिका फ्रॉम हरियाणा, अक्षत फ्रॉम दिल्ली, मेघनगर. वाओ, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. मैम जीएसटी लेक्चर्स आर नॉट अमेंडेड, आर नॉट एप्लीकेबल. या यू विल हैव अ डिफरेंट वन अमेंडमेंट लेक्चर. जीएसटी में ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है. रहीद फ्रॉम पुणे, ओके ग्रेट. All right, so I've answered most of your queries. Sneha, we'll have to check. Yes, mostly you should be able to shift to face-to-face. There would be some option for that. Yes. Rushikesh from Kolhapur. Okay. So thank you, dear students. It was great studying with you. From where to get study material and module, website pe check karo. My books are not for sale. I generally don't sell my books. It's only for my students. Yes, so we have students from Ahmedpur. Wow. Nilesh from Mumbai. Cute princes. No, pen drive mein I am not giving latest. Now, if you order the pen drive, we'll first send you GST lectures. By the time you watch GST,
डीटी के 30 लेक्चर्स रेडी हो जाएंगे, एक पेनड्राइव आएगा, फिर आगे का पेनड्राइव आगे के लेक्चर्स में आएंगे, तो आपको इंस्टॉलमेंट्स में लेक्चर्स आते हैं। लाइव स्ट्रीमिंग के बाद मोस्टली यस कर सकते हो। सॉफ्ट कॉपी कल दूंगी, आई विल प्रोवाइड यू सॉफ्ट कॉपी ओनली ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। ब्रुकलिन फ्रॉम हैदराबाद, रिया फ्रॉम लखनऊ, शिवानी फ्रॉम बिहार, सो वी हैव स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द स्टेट्स, शुभम फ्रॉम अहमदनगर, वाओ। यस, सो डियर स्टूडेंट्स आई विल स्टॉप हियर, आई विल सी यू टुमारो एट 9:30। यस, सो इट वॉज फैंटेस्टिक फॉर मी टू प्ले, सी प्ले मैंने कहाँ से बोला, किसी ने डाउट पूछा, प्ले इन 2x एंड ऑल दैट स्टफ। नाउ ऑल दैट लिटिल फ्यू क्वेरीज आप थोड़ा काम कर लीजिए, थोड़ा SPC टीम को कॉल करके पूछ लीजिए डाउट, राइट। यस, आज फर्स्ट डे था, सो आई विल मीट यू टुमारो एट 9:30। यस, सो टिल देन नाउ हैव सम लिटिल ब्रेक, ले लो थोड़ा सा, कुछ खा पी लेना। हर्षद सर आएंगे, खाली पेट कुछ नहीं समझेगा, हर्षद सर लेने वाले हैं 12 to 1 आपका कॉस्टिंग का क्लास। ओके, सो थैंक यू डियर स्टूडेंट्स एंड आई विल सी यू टुमारो एट 9:30 शार्प, सो बी रेडी, गुड बाय।